अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अध्ययन केंद्र भारत सरकार और केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ वाराणसी द्वारा आयोजित भारतीय सभ्यता में बौद्ध जीवन शैली एवं परस्पर सौहार्द विषयक संगोष्ठी के सम्माननीय मुख्य अतिथि जी, अध्यक्ष महोदय एवं अन्यान्य विशिष्ट अतिथिगण पधार चुके हैं और मैं अध्यक्ष जी से कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति चाहता हूँ। सर्वप्रथम मैं भिक्षु रेवत महाथेरो जी, जो कि आज के इस समारोह के इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि हैं, उनसे अनुरोध करता हूं कि आप मंच को अलंकृत करें। भिक्षु रेवत महाथेरो जी, संघ नायक, महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया सारनाथ, आज के इस आयोजन की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर वांगचुंग दोर्जे नेगी जी, माननीय कुलपति केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान। से अनुरोध है, कृपया मंच को। विषय प्रवर्तन करेंगे भिक्षु दोर्जे दमदुल जी, निदेशक तिब्बत हाउस नई दिल्ली। आपसे भी अनुरोध है, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करके हमें कृतार्थ करें। विशिष्ट वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे प्रोफेसर अंगराज चौधरी जी, पाली विभाग, नव नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय। आपसे अनुरोध है, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आयोजन समिति से अनुरोध है, कृपया सर को मंच पर पहुँचाएँ। आज के इस आयोजन के विशिष्ट अतिथि हैं जाने माने समाजशास्त्री प्रोफेसर आनंद कुमार जी, आपके आगमन से हम सभी समृद्ध हुए हैं। आपसे अनुरोध है, कृपया मंच को सुशोभित करें। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर हरकेश सिंह जी। आपसे भी अनुरोध है, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और संयोजक का दायित्व लिया था प्रोफेसर अमर जीव लोचन जी ने, महामंत्री अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अध्ययन केंद्र भारत सरकार। आपकी भूमिका इस आयोजन में महत्वपूर्ण है। आपसे अनुरोध है, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। यह मंच पूरी तरह से समृद्ध है। आज के विषय पर जिस पर हमें चर्चा होनी है, इस उद्घाटन सत्र से लेकर के पूरे दिन भर के 2-3 सत्रों में उसके सम्मान्य विद्वतगण मंच पर उपस्थित हैं। मैं आयोजन समिति की ओर से, विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं और अनुरोध करता हूं कि आप दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें और साथ ही भगवान बुद्ध जी की प्रतिमा पर खतक एवं पुष्पांजलि करते हुए इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारम्भ करें। मंचासीन मुख्य अतिथि जी, अन्य विशिष्ट अतिथिगण, दीप प्रज्वलन एवं भगवान बुद्ध जी की प्रतिमा पर खतक एवं पुष्पांजलि। असतो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। दीपक प्रतीक है हमारी आस्था का, हमारे विश्वास का। तमांधकार एवं झंझावातों में हमें शक्ति देता है निरंतर आगे बढ़ने की। ऐसे दीप को प्रज्वलित किया मंचासीन विशिष्ट अतिथियों ने और हम सभी प्रणत होते हैं भगवान बुद्ध जी के प्रति और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं पुष्पांजलि एवं खतक के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी से अनुरोध है, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। मंचासीन अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन। मैं सर्वप्रथम इस क्रम के बाद मंगलाचरण संस्कृत में और तत्पश्चात तिब्बती भाषा में। मंगलाचरण के लिए संस्थान की छात्र छात्राएं आमंत्रित हैं। मोहांतकारं
सिंहम प्रणमित शिरस सर्वकालम नमामि सर्वकालम नमामि वंदे श्रीवज्रसत्वम् भुवनवर गुरुम् सर्वभूतम् भवन्तम् नानारूपम् चिनेन्द्रम् तिमिरभयहरम् निर्मितम् मेरुशान्तम् सुखमयं तेनामोषयेतुं संगस्त्रेलोक्यबन्धुर् गुणगणानिलायो बोधिचिता सुचिता बोधिष्ठानन्दसितो विजितकलिमलो हेरुको नीलदण्डा बुद्धा सारङ्गराजो विजितगुणगणा सर्वसत्त्वानुकम्पी तुष्टा सर्वार्थसिद्धिं ददतु समरसा मंगलम बोधिसत्वा मंगलम बोधिसत्वा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात मैं संस्थान की छात्राओं से अनुरोध करता हूं कि वो भोट परंपरा के अनुसार तिब्बती भाषा में मंगलाचरण भगवान बुद्ध के प्रति प्रणत निवेदन करें। Yeah.
बहुत-बहुत धन्यवाद। और अब मंचस्थ सम्मान अतिथियों की स्वागत करने के लिए मैं सर्वप्रथम मूल शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर तेनजिन नोरबू जी से अनुरोध करता हूं कि वे माननीय मुख्य अतिथि भिक्खु रेवत महाथेरो जी जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, महाबोध सोसाइटी ऑफ इंडिया के संघनायक तेनजिन नोरबू जी से अनुरोध है कि वे खतक प्रदान करके आपका स्वागत अभिनंदन करें और स्मृति चिन्ह प्रदान करें। अध्यक्ष जी का स्वागत करने के लिए मैं नवांग थेम्पेल जी जो SWA हैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे आज के इस उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर वांगचुंग दोर्जे नेगी जी कुलपति केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान का खतक प्रदान करके अभिनंदन करें और स्मृति चिन्ह प्रदान करें। भिक्खु दोर्जे दमदुल जी का स्वागत अभिनंदन करेंगी माननीय कुल सचिव महोदया डॉक्टर सुनीता चंद्रा जी। भिक्खु दोर्जे दमदुल जी निदेशक तिब्बत हाउस नई दिल्ली का स्वागत अभिनंदन करेंगी संस्थान की ओर से कुल सचिव डॉक्टर सुनीता चंद्रा जी। प्रोफेसर अंगराज चौधरी जी का स्वागत और अभिनंदन उप कुल सचिव डॉक्टर हिमांशु पांडे जी की ओर से। संस्थान के उप कुल सचिव स्वागत कर रहे हैं प्रोफेसर अंगराज चौधरी जी का। प्रोफेसर आनंद कुमार जी का स्वागत करेंगे प्रोफेसर रमेश चंद नेगी जी। हमारे बीच में उपस्थित प्रोफेसर रमेश चंद नेगी जी से अनुरोध है कि आप प्रोफेसर आनंद कुमार जी का संस्थान की ओर से स्वागत और अभिनंदन करें खतक एवं स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए। प्रोफेसर हरकेश सिंह जी का स्वागत करेंगे सहायक कुल सचिव प्रमोद कुमार सिंह। प्रमोद कुमार सिंह जी प्रोफेसर हरकेश सिंह जी का संस्थान की ओर से खतक एवं स्मृति चिन्ह प्रदान करके स्वागत करेंगे। प्रोफेसर अमरजीव लोचन जी का स्वागत करेंगे प्रशांत जी। संस्थान की ओर से स्वागत करेंगे प्रशांत जी। और इस क्रम में मैं स्वरिक्पा विभाग की ओर से दोर्जे दमदुल जी से अनुरोध करूंगा, आप यहाँ उपस्थित हैं, आपसे अनुरोध करता हूं कि विभाग की ओर से विशिष्ट भेंट मंचासीन अतिथियों को मुख्य अतिथि जी अध्यक्ष जी एवं अन्य अन्य विशिष्ट अतिथिगण को स्वरिक्पा विभाग की ओर से एक विशेष भेंट।
बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस उद्घाटन सत्र मंच पूरी तरह से समृद्ध और अलंकृत है। मंचासीन अतिथिगण तथा सभागार में उपस्थित सभी हमारे विशिष्ट अतिथिगण उपस्थित हैं, बाहर से आए हुए हैं, संस्थान के हमारे विभाग के सभी आचार्य विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत करने के लिए मैं कुल सचिव डॉक्टर सुनीता चंद्रा जी से अनुरोध करता हूं कि आप संस्थान की ओर से मंचासीन अतिथियों एवं सभी विशिष्ट जन का स्वागत करें। धन्यवाद राम सुधार जी। परम श्रद्धेय परम आदरणीय मंच पर विराजमान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज़ के कुलपति प्रोफेसर डब्ल्यू डी नेगी साहब, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बीच में पधारे भिक्खु रेवत महाथेरो, संघ नायक महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया सारनाथ से हमारे बीच पधारे हैं। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर आनंद कुमार सर जो जेएनयू से हमारे बीच हैं, प्रोफेसर हरिकेश सिंह सर जी जो बीएचयू से हैं और जिन्होंने हमें चलना पढ़ना सब सिखाया है, हमारे पार्टनर इस सेमिनार में दो पार्टनर्स हैं G20 और C20 के मैंडेट से ये जो हमें सेमिनार हमें आवंटन हुआ है उसका पूरा श्रेय जाता है हमारे पार्टनर जिनकी अध्यक्षता कर रहे हैं, प्रोफेसर अमरजीव लोचन सर जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के हमारे मेंबर भी हैं। हमारे बीच दिल्ली से पधारे हुए परम आदरणीय तिब्बत हाउस के डायरेक्टर साहब भिक्खु दोर्जे दमदुल, निदेशक तिब्बत हाउस। इस सभागार में उपस्थित गणमान्य जन, शिक्षकगण, कर्मचारीगण, विद्यार्थीगण और बाकी सारे इन्वाइटीज को मैं अभिनंदन करती हूँ। इसके पहले कि मैं आप लोगों का एक एक करके अपने दिल से अपनी भावनाएं व्यक्त करूं, मैं थोड़ा सा इस सेमिनार के बारे में बोलना चाहती हूं। इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन आर एजेस ओल्ड। व्हाट वी सी टुडे इज़ अ रिजल्ट ऑफ अ मिक्स ऑफ वेरियस कल्चर्स एंड सिविलाइजेशंस दैट डेवलप्ड इन द एरा। हमारी सभ्यता का एक मूल मंत्र है वासुदेव कुटुंबकम, और शायद इसी मूल मंत्र के सहारे भारत जैसा एक विस्तृत भूभाग में अनेक संस्कृतियाँ और अनेक भाषी लोग वास करते हैं। भारत यूं कहे तो पूरी एशिया के लोगों पर उनकी धार्मिक निष्ठा और धार्मिक शिक्षाओं का उनके व्यक्तिगत जीवन और उनकी सभ्यताओं पर गहरा असर रहा है। यदि हम सार रूप में सोचें तो कहा जा सकता है कि मालवीय मूल्यों की स्थापना और उन्हें बनाए रखने की ललक पूरी भारतीय सभ्यता पर दिखाई पड़ती है। मालवीय मूल्य ही क्यों, भारतीय सभ्यता हमारी प्रकृति, हमारे पेड़ पौधे, हमारे जीव जंतु या यूं कहें तो हमारे पूरे पर्यावरण के संरक्षण और उसके विकास और उसके प्रति सम्मान बनाए रखने की का संदेश देती है। भारत के लोगों पर तथागत बुद्ध और उनकी शिक्षाओं का गहरा असर एवं लंबे अरसे तक रहा है। लगभग 1500 वर्षों के इस बड़े भूखंड कालखंड का वर्तमान भारत संस्कृति और सभ्यता पर निश्चित रूप से व्यापक असर हुआ होगा। पुनर्जन्मवाद, कर्मवाद, ईश्वर अनिश्वरवाद, नित्यता अनित्यता के शास्त्रार्थ से विकसित हुई भारतीय सभ्यता और भारतीय सभ्यता पर बौद्ध प्रभाव को झुटलाया नहीं जा सकता। आज की इस विचार गोष्ठी में जहां इन विषयों के प्रख्यात विद्वान उपस्थित हैं, मेरा इनसे अधिक कुछ भी कहना सूरज के आगे दिया दिखाने जैसा होगा। मेरा मानना है कि इस विचार गोष्ठी से निश्चित रूप में हमें भारतीय सभ्यता, इसकी संस्कृति, इसकी वर्तमान दशा और भविष्य की दिशा को संवारने की दृष्टि में निश्चित रूप से दिशा निर्देश प्राप्त होंगे। नाउ इन माय रोल ऑफ वेलकमिंग द ऑनरेबल गेस्ट एंड ऑडियंस ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर cultural relations and studies, I would first like to welcome our very, very important guest,
of guest, the chief guest, who has very kindly accepted our invitation. I was having doubts whether sir would be available in the town, but Venerable Mahathero Sahib is with us to grace this occasion, to bless us, and to make this whole event successful. Thank you for inviting our invitation and coming to this program, sir. And with him, we have two very special guests with us. As I have told, one has been a teacher to us all life, teaching us many things. Professor Anand Kumarji, who is a sociologist, a profound academician, besides having many more stints to his career. We welcome you, sir, and we thank you for accepting our invitation. Professor Harikesh Singh, sir, as I have already told, teaching us so many life lessons. I have always been inspired by him. He has been an educationist, the Vice Chancellor of JPN University Chhapra, and has been Dean of Education Faculty as well. I welcome you, sir, and I am thankful for accepting our invitation. Besides this, I would like to very from core of my heart thankful to Tibet House and the director, our very honorable and very respected Damdul sir, for accepting our invitation. Your being in this house itself is a message that yes, we are having blessings coming from the top, from all the sectors of the society. Thank you, sir, for coming here and gracing the occasion. I'm also thankful to Professor Angraj Chaudhary, sir, who has been an eminent scholar in Pali and Buddhist studies, and who is here to guide us. The whole day event is to be guided by his literary and his academic excellence. Thank you, sir, for coming for this occasion. And I, on the dais is the entire stream of emotions when I talk of the partners who came up and wanted us to hold hands to organize this event. The ICCS, a body which is into many kind of social activities of collaborating with various societies internationally. So I am very thankful to Professor Amar Jivalochan sir, who is our very honored Board of Governors member, and who chose this university to be the place where we could hold the C20 under G20 program. So thank you, sir, for choosing us, and thank you for being here with us to grace this occasion. I have many names there. I can see all important faces sitting in before me. So pardon me if some are left, but let me be categoric in inviting some very eminent people who are relevant to this topic on which we are going to discuss. Professor Kamal Shield, sir, who has been the ex-rector of Banaras Hindu University and has been the Dean of Faculty of Arts. Sir, we are thankful to you for accepting our invitation and being with us. We have with us Professor Lalji, Professor Rameshan sir, Professor Praveen Prakash, Professor M.K. Das, and many more names which may not be right now with me. Besides welcoming all of you, I also welcome some groups whom we never thought they would be accepting our invitation. The audit team was on the campus and we requested them that please be with us so that you can have a feel of what this institution is. So I am thankful to Lalit Srivastav ji, Sanjay ji and others for being with us. We are always happy to have the bank and the services that we get. So I am thankful to them for accepting our invitation and being with us. I am also thankful to all our very respected teachers who are sitting here from the institute, our honorable Bhikshugan, जिनके आशीर्वाद के बिना हम एक कदम भी आगे नहीं चल पाते. उन सब का मेरी तरफ से और पूरे इंस्टीट्यूट की तरफ से अभिनंदन और स्वागत. इसके साथ ही हमारे कर्मचारीगण जो बहुत मेहनत करके इस इवेंट को आगे ले जाते हैं और हमारा साथ देते हैं, उन सब का भी मैं स्वागत करती हूँ. और कोई भी संस्था जिसके बिना कुछ कंप्लीट नहीं होता, वो है हमारे छात्र छात्राएं. हमारे छात्र छात्राएं यहाँ हैं, इन्हें देखकर ही हमें संबल और बल मिलता है कि ये प्रोग्राम हमारा, ये सेमिनार और ये जो एकेडमिक डिस्कोर्स है पूरे दिन का, ये बिल्कुल सक्सेसफुल होगा. और आप
छात्र छात्राओं के लिए एक बहुत बड़ा टेक होम पैकेज होगा, जिसे आप हमेशा ही ट्रेजर करेंगे। इतने विद्वत जन के साथ इंटरैक्ट करना, उनकी बातों को सुनना ही आपको बहुत कुछ ज्ञान दे देगा। मैं अभी कोई छूट गया हो हमसे, मीडिया जिसके बगैर हमारी आवाज़ नहीं पहुँचती और जिसके बगैर हमारा अपना मकसद जो है वो आम जन तक नहीं पहुंचता, उनको भी मैं धन्यवाद देती हूं कि वो पधार करके इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में हमारी मदद कर रहे हैं। बाकी हर व्यक्ति जो इस सभागार में बैठा है, परम आदरणीय जो हमारे मंचासीन विद्वत जन हैं, उन सब का मैं स्वागत करती हूं और अभिनंदन करती हूं। धन्यवाद। संस्थान की ओर से भावपूर्ण स्वागत कुल सचिव महोदया द्वारा किया गया और इस स्वागत के साथ, स्वागत संबोधन के साथ आज के विषय पर अत्यंत संक्षिप्त की नोट्स भी आपने प्रस्तुत किया। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सभागार में इतने विशिष्ट लोगों के साथ, इतने विशिष्ट लोगों के बीच इस विषय पर चर्चा की जरूरत क्या पड़ी। आज पूरा विश्व जिस तरह भयानक संत्रास अवस्था में गुजर रहा है, युद्ध के मुहाने के ज्वालामुखी पर धधक रहा है पूरा विश्व, ऐसे में अगर हम भगवान बुद्ध की जीवन शैली पर, पारस्परिक सौहार्द पर बात करने के लिए बैठे हैं तो कुछ बात तो जरूर है। वर्तमान एरा के एक महत्वपूर्ण दार्शनिक ओशो ने कहा है कि भगवान बुद्ध की बराबरी हिमाच्छादित हिमालय से की जा सकती है। हिमाच्छादित पर्वत तो और हैं, लेकिन हिमालय हिमालय है, वह अनुपमेय है। भगवान बुद्ध भी अनुपमेय हैं और इसलिए और अनुपमेय हैं कि पूरे 2500 वर्षों के बीते हुए काल में जितनी हृदयों की वीणा को झंकृत किया भगवान बुद्ध ने, उतना और किसी ने नहीं। और आज जिस हम विभीषिका से गुजर रहे हैं, उसमें सौहार्द का पाठ अगर कोई कहीं से हम सीख सकते हैं तो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से सीख सकते हैं। मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं और इस बनारस शहर का एक बड़ा कवि जयशंकर प्रसाद, जिसके आदर्श रहे हैं भगवान बुद्ध, जिन्होंने वरुणा के शांत कछार में उस शांति को ढूंढा है, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है, एक पंक्ति है। शक्ति के विद्युत कण विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करो समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। मानवता के विजय की कामना इस काशी से गूंजी थी, इस सारनाथ से गूंजी थी, और उसी को फिर से स्मरण करते हुए अगर पारस्परिक सौहार्द का एक बड़ा संदेश, एक मंत्र इस सभागार से निकलेगा तो कुछ बात तो बनेगी ही। और उस पर चर्चा करने के लिए जो विशिष्ट जन उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं हमारे बीच में विभिन्न सत्रों में, उनके लिए मैं धम्मपद की एक गाथा से उनका स्वागत करता हूं। यथा सुछन्नम आगारम, यहां पाली के विद्वानगढ़ बैठे हुए हैं, मैं कुछ नहीं हूं, सर बैठे हैं अधिकारी सर। यथा सुछन्नम आगारम बुट्ठिन समति विज्जति, जिस तरह अच्छी तरह छाए हुए घर में वर्षा का पानी प्रवेश नहीं कर सकता है, तथे वो सुभावित चित्तम रागो न समति विज्जति। सुभावित चित्त में, भाव से पूर्ण चित्त में, मंच पर बैठे हुए सभी लोग सुभावित चित्त वाले हैं। इस सुभावित चित्त वाले अपने अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं और विषय प्रवर्तन के लिए बहुत आदर के साथ मैं निदेशक तिब्बत हाउस नई दिल्ली के आदरणीय भिक्खु दोर्जे दंदुल जी से अनुरोध करता हूँ कि आप आवें और विषय का प्रवर्तन करें। Respected Chairperson, the chief guest, all the venerable monks and nuns, all the dignitaries on the dais, and all the staff, the guests, and all the students. It's a great honor for me to be here on this occasion, which our Vice Chancellor, Professor Venerable Wangji Dorje Negiji, sent the request that if I can come for this program.
And also that my long-term friend, Professor Amarji Balojin Ji, also extended the same invitation since long time ago. I'm grateful to both of them for this invitation. And today, what I'd like to present to you is primarily on the topic of the contributions of Buddhism as a part of the Indian civilization in this 21st century and the cordiality. For this, we see that in this world, when we talk about the contributions from Buddhism, and first of all, before we talk about Buddhism, what is important is that what is the world we need? And COVID-19, 2019, 2020, and 2021, these 3 years, we witnessed the world that we are all interconnected. Religions, ethnicities, countries. In fact, this COVID-19 taught us the reality of the interdependency. So with this in mind, seeing the world as one entity, but the plurality as the reality to be accepted, but at the same time to see the world as one entity. For example, if you look at this, we talk about the UNO discusses on what is known as the Sustainable Development Goals, 15 Sustainable Development Goals for the world. And what they are, they enumerated there, is all about the well-being of the world, well-being of the citizens of the world. And what is meant by well-being? In what way Buddhism can contribute, Buddhism as a part of the Indian civilization can contribute? And of course, India is an incredibly great country which gave birth to so many important philosophical traditions where the ahimsa, compassion, the unity in diversity, these are all what we see developed in India very strongly since ages. So as you can see here, today the world, we see the world is fragmented amongst different countries on the international level, domestic level, the family level. We see that there's so many chaos happening and where people are craving for well-being. So if you look at what is defined as well-being by UNO, it says a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. So in this connection, how can we create this well-being? For example, this institute, Central Institute of Tibetan Studies, Varanasi, this is a very important institute, and I personally feel extremely connected with the institute for the reason that this is one of the institutions which not only impart the education of the brain, it also imparts education of the heart. So when this is lacking, then the world, while the world is going through such an advancement in terms of modern education, but still we see that something is lacking there. His Holiness the Dalai Lama, wherever he travels, always is confronted with one question. The question is, where are we going wrong? The world, where are we going wrong? This question. That the world, the modern education, with the expectation that it'll give us prosperity, it'll give us well-being for the humanity. In reality, the well-being is going down. Where are we going wrong? His Holiness, without second thought, would respond by saying that modern education is designed, it's a legacy of Britishers and Americans, more precisely Britishers, during the Industrial Revolution, where there's a tremendous emphasis on technology. Technology means the brain is required, heart is not required. So the whole education system today is designed as a legacy from the Britishers' rule. Because of which, in the modern education, believe it or not, if somebody says 2 plus 3 equals 5, you pass.
Even if somebody has the capacity to become the second Mahatma Gandhi, but if the person says 2 plus 3 equals 5-ish, you fail. Nobody will count your heart. Nobody will count your courage for the world, for the nation. So therefore, this is where His Holiness identifies as where we are lacking. We are lacking the education of the heart. So this is exactly what the UNO identifies as where we need to focus on the well-being of the humanity. So in this connection, given that this Central Institute of Tibetan Studies, Varanasi, so this is specialized in the study of the emotions. So you can, this, what is presented here is well resonated with what you've studied. Season comes afflictions is nirvana. Nirvana means liberation from the emotional crisis. And karmic afflictions arise from conceptualization of the inappropriate tension, which in turn arises from elaboration of self-grasping ignorance. The elaboration ceases through the wisdom of emptiness. So this institute is meant to impart the education of the wisdom to cultivate your heart. And also that the what is very clearly indicated that the ladder of the wisdom is extremely important, where you see the emphasis of that in great of the extent in Dhammapada, and also that just reading this, failing to realize emptiness, the peace, the unborn nature of the ontological reality, the sentient beings wanted in samsara, the Buddha was endowed with compassion, established the reality with innumerable insights for them. So here, if you look at this, we really need to transcend our ordinary thinking. So look at what Albert Einstein used to say. So what the Buddha taught is exactly resonated so well by what Albert Einstein said. So Albert Einstein identifies our problems, all the human crises, in ways to fail to see the humanity as one, to fail to see the cordiality of the humanity, the need for this cordiality. So this is what Albert Einstein identifies as our, say, the optical delusion of seeing oneself and others as separated, as two distinct entities, that creates a prison for ourselves. Nobody wants to be in the prison. And yet, the prison is created by own mind, I and you. So this division is created, cordiality is lost. So where this prison is what is created by your own lack of the vision, lack of the proper wisdom. So this Albert Einstein calls as the optical delusion. Let me repeat it. A human being is a part of the whole called by us universe, a part limited in time and space. He experiences himself, his thoughts and feelings as something separated from the rest, a kind of optical delusion of his consciousness. This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our personal desires and affection for the few persons nearest to us. Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circle of compassion, to embrace all living creatures and the whole of nature and its beauty. So how to create this? How to break this barrier? How to break this prison? To expand, to see the whole humanity as one, so that all these trillions of dollars invested on the borders, the dollars invested for the defense with all the countries, how can that be invested for something else, for the humanity, for the flourishing of the humanity, for thriving, for the charity, for hospitals, mental health, and so forth? So the approach has to be picked up. What is the approach? And the Buddha very clearly indicated, when I was in Cambridge, 2003, for my English studies in Cambridge, since my childhood, I was more fond of physics, and I've been meeting with lots of physicists in those days. And there was one physicist, brilliant physicist, and what he said that in this world, only physics education. And I asked him, what might be the reason? And I'm sure that here, I can't imagine anybody who is specialized in physics. So from his point of view, none of us is into education line.
So I asked why. And he said that because only physics allows you to have critical thinking. All others are imitation, the earlier teachers. Then I said, okay, then in this case, listen to what the Buddha has to say. The Buddha said, the bhikshus and the wise people. Just as goldsmith tests the purity of the gold by cutting, rubbing, and burning the gold, you should also examine my words and put them to practice, not simply because you respect me. And he remained silent for a few seconds. And he said, oh, the Buddha must have been a great physicist. Okay, so with this in mind, the idea is that, so how can we create this cordiality? How to see that the real treasure of the human civilization lies in the Indian civilization? How? This is all on the basis of this study of the psychology. And within the study of psychology, say, in this world, like Hitler, who destroyed the world, and for example, say, like the Buddha Shakyamuni, who created harmony in the world. So what makes the difference? Both the human beings. And how come that one destroys the world and the other created the world in harmony? What made the difference? It's all the difference in their psyche. So what is their psyche? So in the psyche, we see that, so there are broadly two things. One is a cognitive element of the psyche, and the other one is an affective element of the psyche. When the cognitive element of the psyche goes wrong, then automatically the affective side goes wrong. So when the cognitive, when you see everything is interdependent, naturally, His Holiness puts it so beautifully. So one time, during his public address, somebody asked His Holiness, Your Holiness, you're being respected by all of the, by everyone, all the citizens of the world, and yet you have a little special affinity to the Tibetans. So why is this? So His Holiness said, I have five fingers, and if this little finger is injured, I'll take care of this little finger more. So the point is that where the cognitively you see that things are all interdependent, naturally you will embrace everybody. When you see that, when you can misconceive the reality that things are all independent, I'm independent from others, automatically you'll destroy others. So this is where the destruction, the chaos, human crisis happens, all based on the misconceptions on the cognitive level. And the brilliant people, for example, like Mahatma Gandhi, today His Holiness the Dalai Lama, and like Buddha Shakyamuni, and Vinoba Bhave, Lord Jesus Christ, all these brilliant beings, how come that they are able to create harmony in this world? Cognitively, they could see interdependent nature of the world. Naturally, the effect is out of the mind. Universal compassion automatically is the result of that. So in this connection, what is cognitive? Cognitively, what is important is that with the our mind has a tremendous capacity to know things very broadly and subtly. So here we see that the quantum mechanics, physics, it talks about the very subtle reality. Particularly, quantum mechanics talks about the micro elementary behaviors of the dual nature, wave particle dual, the duality nature of the particles. And talking about how the universe came into existence, starting with what is known as the quantum vacuum. Quantum vacuum. These are amazing, brilliant knowledge of the world. And yet, India has already produced these concepts. For example, Professor Rajaraman, Indian great physicist, like 60, 70 years ago, during His Holiness's talk on the concept of emptiness, shunyata, Professor Rajaraman, he met with His Holiness at the end of the talk. And then he asked His Holiness, this is what I learned, quantum mechanics I learned, and it developed the last only 100 years. But this concept, the same concept of quantum mechanics, was already taught by the Buddha Shakyamuni 2,500 years ago. So this is a great contribution of India for the world. And yet, we should know that this is the India's treasure. And quantum mechanics, when it comes from the West, everywhere in the Indian universities, it's been respected as one of the greatest knowledge of the humanity. But already 2,500 years ago, the quantum mechanics in the form of concept of emptiness, shunyata, pratitisamutpad, emptiness, dependent origination, was already taught by the Buddha Shakyamuni. And this is where we go wrong. We fail to identify our treasures, and then we look for the treasure outside.
So this is where we're going wrong. So here we look at it, we see that quantum mechanics, from the point of view of the quantum mechanics, so towards the extreme left, you see the white dot there. This is what is known as the singularity, which is the starting point of the Big Bang, which is responsible for the whole universe today. And to the extreme right, you see what the world is today. So this is all the outcome of the single Big Bang, the singularity. So this, in the philosophy taught by Buddha Shakyamuni 2,500 years ago, this is what the concept of shunyata, emptiness, from where all phenomena arises. So if you look at it, we see the quantum mechanics, the newly developed concept out in Newtonian physics. So in physics, we see that there's a paradigm shift from Newtonian physics to classical, to the quantum mechanics, and to the relativity theory, as taught by Einstein. And just look at the comparison between these two systems, physics on the one hand, and the Indian philosophy, which the Buddha taught 2,500 years ago. See, quantum mechanics, Niels Bohr. What he said is that if you study quantum mechanics, and if you're not shocked by this, you have not understood it yet. Likewise, the Buddha very clearly indicated that the concept of shunyata, the moment you get to dawn of the experience, you will have fear. And also that, this we're talking about the vastness and the depth of the knowledge Indian tradition offers, and that too has a soteriological purpose. So here we see that in the concept of Arinagarjuna's shunyata philosophy, two truths is taught, two truths, ultimate truth and conventional truth in harmony, whereas in the modern physics we have quantum physics and Buddhist philosophy and relativity theory, these two go in divergence. They don't go in harmony. This is a problem. While quantum mechanics operates, is explainable on the macro, the particles, whereas the relativity theory is applicable only to the macro world, not to the micro world. So this is where this Indian tradition of the Buddhist philosophy can contribute to the world's knowledge. And talking about the mental health, given that I don't have much time, I'm going to wind this up very quickly. Mental health, this is so important today. Believe it or not, there are so many the mental health centers being developed everywhere in the world. So many stresses, depression, anxiety being developed everywhere in the developed countries, developing countries, underdeveloped countries. So the solutions being sought after by the UNO and by every country. And where lies the problem and where lies the solution? So this is what was actually taught by Charles Darwin. Charles Darwin. Charles Darwin, what he said is that finally, say, our well-being is related to our emotions. And according to him, that we cannot have a perfect well-being, according to Charles Darwin. Because for him, our emotional states, they are all determined by the basic instincts of attachment, aversion, and fear. And attachment, aversion, without these two, the human species cannot survive. And without fear, the human species will die. So therefore, these emotions are instinct, and you can't really get rid of these. Where this, if this is the belief system of the humanity, if the whole world is operating, social society is developed on the basis of this principle, then there's no chance for a perfect harmony and peace, the perfect mind state to be cultivated. For the reason that so there's always going to be like attachment, aversion. Aversion towards other countries, aversion towards the other party, other groups. So this is what is bound to happen. And then he said that this is instinct, you cannot get away from this. Whereas the Buddha taught very differently. That's not true. All what you say as the attachment required to bring the conducive factors and aversion to push aside the undesirable conditions, the Buddha taught the opposite. No. Skillful compassion alone will do the same purpose of bringing the conducive factors and getting rid of the undesirable factors. So the whole system can be built on the principle of compassion. Where the compassion is there as the topic for this seminar, the conference,
which is cordiality. The Buddhist contribution, from the Indian civilization to the world. So in this connection, so it's all about the human psychology, and His Holiness the Dalai Lama, just a few years ago, launched this book, initiated by him, to pick up all the important points, not the citations, but the points from the treatises, from the great, the works of the Buddha Shakyamuni in the form of sutras, and in the form of the commentaries by the Indian masters, known as Kanjuru and Tenjuru, all combined together in the form of, at the moment, two books available, made available. They are all about the psychology and the philosophy. Nothing to do with the citation or the quoting. It's about the basic thought processes, which can be a great contribution for the whole humanity. So with this condition, so the Buddhist value system in the Indian civilization and mutual cordiality. So this, His Holiness sees that only hope lies in what is known as universal ethics beyond all borders of differences. And this is where His Holiness see, the launch a program of universal ethics. And today, this is where whatever religion that you're following, whatever ethnicities that you belong to, whatever gender, so we all have the right to follow the basic, universal ethics, which alone is a solution to create about harmony in the world, where all these trillions of dollars invested in defense, for defense, all can be diverted for a noble cause. So, some suggested readings. Thank you so much. कहा जाता है कि अगर शुरुआत अच्छी है तो लक्ष्य को पाने से कोई रोक नहीं सकता है और मैं समझता हूं कि विषय की प्रस्तुति इससे अच्छी नहीं की जा सकती है इसलिए मैं तो कहूंगा अभूतम भन्ते अक्षरियम भन्ते सामान्यतः धर्म की व्याख्या हम आस्था और विश्वास से करके भूल करते हैं लेकिन धर्म की व्याख्या विज्ञान और मनोविज्ञान से जिस तरह वैज्ञानिक तरीके से भन्ते ने यहाँ प्रस्तुत किया है वह अद्भुत है हम कृतज्ञ हैं आपके इस महत्वपूर्ण वक्तव्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भिक इसके पश्चात मैं प्रोफेसर अंगराज चौधरी जी जो पाली विभाग नवलालंदा महाविहार विश्वविद्यालय से पधारे हुए हैं सामान्यतः मुझ जैसा विद्यार्थी को लिया समझता है कि नालंदा 14वीं शताब्दी में उसकी लाइब्रेरी जलती रही नष्ट हो गया लेकिन मनुष्य सृजित करता है रचता है नालंदा पुनः नालंदा बन करके उभरा है वहाँ के आचार्य जी हमारे बीच में उपस्थित हैं पाल विभाग के हम आपका स्वागत करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं आपके महत्वपूर्ण वक्तव्य के लिए मंच पर उपस्थित भिक्षुगण और माननीय जितने प्रोफेसर्स हैं सब को मैं नमस्कार करता हूँ सामने बैठे कितनों का नाम लूँ सबको नमस्कार करता हूँ जितने विद्यार्थी हैं उनको भी मैं शुभाशीष देता हूँ नमस्कार करता हूँ समय कम है 20-10 मिनट का ही समय मुझे दिया गया है बोलने के लिए और मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता कुछ पर्सनल बातें आपको कहूँगा कि जो मैंने इस धर्म से सीखा है मेरा बचपन बीता तो मैंने धर्म की जो परिभाषा सुनी थी वो परिभाषा बिल्कुल दूसरी थी हनुमान चालीसा का पाठ कर लो धर्म हो गया जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश त्यों लोक उजागर ये एक धर्म माना जाता था रामचरितमानस का पाठ कर लो यह भी धर्म माना जाता था इस तरह से धर्म की परिभाषा हुई फिर मैंने अंग्रेजी साहित्य पढ़ा उसमें मुझे धर्म के बारे में एक जगह एक बात आई तब मैंने गोल्डन बाउ पढ़ी एक किताब जेम्स फ्रेजर की और उसमें मैंने धर्म के बारे में डिटेल में देखा कि धर्म किसको कहते हैं तो मैंने देखा कि उसमें
कुछ शक्तियों की पूजा की जाती है, कुछ देवी देवता हैं जिनकी शक्तियां हैं, उन शक्तियों की आप पूजा करते हैं और उनसे कुछ लाभ की उम्मीद करते हैं। इंद्र की पूजा करते हैं, वरुण की पूजा करते हैं, बादल की पूजा करते हैं, इस सब की पूजा करते हैं। तब मैं अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी था और संयोग से मेरी नियुक्ति पाली संस्थान में हो गई, नवनालंदा महाविहार में। मैं अपनी कुछ बात कह रहा हूँ, वहाँ मुझे ज़बरदस्ती पाली पढ़ना पड़ा। अगर मैं पाली नहीं पढ़ता तो मेरी सेवा वहाँ भी नियमित नहीं होती। सरकार का ये आदेश था कि आपको पाली पढ़ना पड़ेगा। जब मैंने पाली साहित्य का अध्ययन किया तो बुद्ध के बारे में जाना कुछ कि बुद्ध क्या है। 31 दिन तक पढ़ करके मैंने पाली में एमए किया, सच बात बता रहा हूँ, और पाली में फर्स्ट क्लास भी मिल गया। तो आप समझते हैं किसी आदमी को बहुत हो जाना चाहिए कि 31 दिन में पढ़ करके ही पाली में फर्स्ट क्लास ले आया। फर्स्ट क्लास लास्ट था मैं। लेकिन एक नई चीज़ मुझे मालूम पड़ी, अंग्रेजी साहित्य हिंदी साहित्य पढ़ने के बाद जो पाली साहित्य में मैंने पढ़ा वो बिल्कुल कुछ नई बात लगी। मनोपुब्बंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया, मन के बारे में इस तरह की बात कहना, ये भी जान गया सब। पठित समुत्पाद के बारे में पढ़ाया गया, अविद्या पचया संखारा संखारा पचय अभियानम, पूरा नंबर ले आया उसमें। लेकिन समझने के नाम पर कुछ समझा ही नहीं कि वेदना पचया तन्हा क्या होती है, क्या बात है, ये कुछ नहीं समझ में आता था। तब संयोग से कुछ दिनों के बाद मैंने अपने संस्थान में विपसना किया सत्यनारायण गोयनका जी के साथ। जब विपसना में बैठा तो एक नई प्रकार की अनुभूति हुई। वो अनुभूति वर्णनातीत है, मैं वर्णन नहीं कर सकता। पढ़ तो लिया था कि मनोपुब्बंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चे पदुठे न भासति वा करोति वा, सब पढ़ लिया, लिख भी सकता था, बढ़िया से लिख दिया, नंबर भी ले आया, समझदारी कुछ नहीं बनी। तब जब प्रतीत समुत्पाद के बारे में सोचना शुरू किया तो प्रतीत समुत्पाद में वेदना पचया तन्हा ये क्या होता है, लिख तो दिया, नंबर मिल गया। बौद्ध साहित्य का गहरा अध्ययन करने पर मालूम पड़ा कि सिर्फ इंटेलेक्चुअल नॉलेज से काम नहीं चलता है, इसके लिए अनुभूति की आवश्यकता है। इसीलिए भगवान ने तीन प्रकार की बात कही है, सुतमया भावनामया और चिंतामया प्रज्ञा। ये तीन प्रकार की प्रज्ञा कही है। प्रज्ञा का मतलब होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, आपको प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिए। वो जो ज्ञान होता है सो आँख खोलने वाला ज्ञान होता है। कैसा ज्ञान होता है मैं बताऊंगा, अपने एक्सपीरियंस से ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। तो ये तीन प्रकार का जो पढ़ा मैंने सुतमया चिंतनमया प्रज्ञामया, इसका एक बड़ा अनुभव हुआ। उसके पहले मैंने डेली थीसिस करते समय एक प्रकार का पढ़ा था कि शब्द जितने हैं वो सब कुछ बात बता देते हैं, शब्द जानिए तो आपको सब बातें मालूम हो जाएंगी। लेकिन तब फिर मैंने पढ़ा कि भाई दधि मधुरंग मधु मधुरंग द्राक्षा मधुरा सीतापि मधुरैव तस्य तदैव ही मधुरम जस्य मनोजत्र संलग्नम, दही भी मीठा मधु भी मीठा, सब मधुर मधुर मधुर। लेकिन सब मधुर है तो जरूर, लेकिन मधुरता में फर्क है, डिग्री का फर्क है। ये डिग्री का फर्क कहाँ मालूम पड़ा, ये बौद्ध का विचार पढ़ा तब मालूम हुआ कि इसको कैसे आप अनुभव कर सकते हैं। इस बात को जानने के लिए आपको किताब नहीं पढ़नी होगी, किसी से सुनना नहीं होगा, अनुभव करना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि मिठाई कैसी मीठी है, दही कैसा मीठा है, इसको चख कर देखो। ये चख करके जो बात होती है किसी और साहित्य में हमको नहीं मिला, किसी भी साहित्य में नहीं मिला। ये चखने की बात जो हुई सो सिर्फ बौद्ध साहित्य में भगवान बुद्ध के उपदेश में ही मुझे मिला, चख करके देखा। इसलिए उन्होंने कहा सुतमयी प्रज्ञा चिंतामयी प्रज्ञा और भावनामयी प्रज्ञा। हम समझते हैं कि भावनामयी प्रज्ञा के बारे में बात करके भगवान बुद्ध ने जो अवदान दिया है सारे संसार को, सारी संस्कृति को, विश्व संस्कृति को, ये बेजोड़ है, कहीं आपको नहीं मिलेगा। भावनामयी प्रज्ञा इज द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द बुद्धा टू वर्ल्ड कल्चर। इतना बड़ा अवदान
कल्चर के बारे में मैथ्यू आर्नल्ड ने बड़ी पुस्तक लिखी है, बड़ा नाम है इंग्लैंड में, वो साहित्य मैंने पढ़ा, लेकिन जब बुद्ध का विचार सुना, बुद्ध के बारे में देखा, धीरे धीरे पढ़ने लगा, तब मालूम हुआ कि ये अनुभव करने की बात होती है। और अनुभव जब आदमी करता है तो कितना आनंद आता है, और कैसी बात हो जाती है कि आप सब समझ जाते हैं। जैसे आप कहते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, ये एक बात होती है, क्रोध नहीं करना चाहिए, सही बात है, लेकिन क्रोध कैसे नहीं करना चाहिए, क्या करने से आपको, आप क्या करेंगे कि क्रोध नहीं करेंगे? सुनना तो आसान है, बोलना भी बड़ा आसान है, हम कह देंगे कि आपको क्रोध मत कीजिए, लेकिन क्रोध कैसे नहीं करेंगे आप, ये कैसे समझेंगे? आप जानते हैं कि दुर्योधन ने कहा था कि मुझे सब कुछ मालूम है कि क्या करना चाहिए, जानामि धर्मम नच मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच मे निवृत्ति। ये प्रवृत्ति और निवृत्ति की बात जो है, इसको प्रैक्टिकल रूप में कैसे समझा जाए, ये बौद्ध दर्शन के अलावा और किसी साहित्य में मुझे अब तक नहीं मिला है, जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ, हो सकता है अगर आप लोग पढ़े हों तो मुझे बताएंगे, कहीं नहीं मिला। ये अनुभव की बात, इसीलिए वहाँ तीन प्रकार की बात कही गई, सुतमयी प्रज्ञा, चिंतामयी प्रज्ञा और भावनामयी प्रज्ञा। ये भावनामयी प्रज्ञा का मतलब क्या होता है? ये भावना से कोई मतलब नहीं है, भावना का मतलब है टू डू इट अगेन एंड अगेन, तब आपको अनुभव होगा कि क्या होता है। जैसे क्रोध से क्या होता है, क्रोध से हानि होती है आपको, लेकिन ये क्रोध की हानि कैसे होती है, इसको देखना पड़ेगा आपको। अगर आप हानि समझ लें कि क्रोध से हानि होती है, तो फिर आप क्रोध नहीं करना चाहेंगे। एक छोटा सा अनुभव आपको बताता हूँ अपने जीवन का। एक ज़माने में प्रोफेसर से मैं भेज दिया गया, RDD बना दिया गया रांची का, 14 जिला का मालिक था, बड़ा पद होता है और बड़ा घमंड भी होता है लोगों को, लेकिन मुझे उसकी शक्ति मालूम नहीं थी कि क्या इसमें होता है। तो मैं जब सेक्रेटेरिएट आया तो मुझसे एक बड़े ऑफिसर ने मुझे दो आवेदन पत्र दिए और कहा कि आप ये दोनों आदमी को अपॉइंट कर दीजिए। मैं, मुझे मालूम नहीं था कि अपॉइंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं। फिर मैंने एक परिचित IAS से पूछा तो उन्होंने कहा कि आप कर तो सकते हैं, लेकिन इसकी एक विधि है, वो विधि से आप कीजिए। विधि क्या है? एडवर्टीजमेंट कीजिए पोस्ट को, उसमें आप जिसको चाहें ले सकते हैं। दूसरे महीने मीटिंग हुई, उन्होंने पूछा कि आपने अपॉइंट नहीं किया। मैंने कहा कि सर अभी तो अपॉइंट नहीं किया मैंने, लेकिन अपॉइंट कर दूंगा, एडवर्टीजमेंट करूंगा। वो उनसे नाराज हो गए, नाराज इतने हो गए कि उन्होंने मेरी बड़ी हानि की, डिटेल में नहीं जाऊंगा, बड़ी हानि की, मेरे अगेंस्ट में लिखवाया, उन्होंने भी लिखा और मेरा प्रमोशन भी हुआ था, वो भी रुक गया। अब आप समझ सकते हैं कि मुझे कितना क्रोध हो रहा है। मैंने कुछ नहीं किया लेकिन क्रोध मुझे बहुत हो रहा था। तब तक मैं रिटायर होकर चला गया इगतपुरी, इगतपुरी में विपसना करता था। विपसना जब भी मैं करूँ तो उस आदमी का चेहरा मेरे सामने याद आ जाता था, और इतना क्रोध होता था मुझे कि लगता था कि मैं उसके नाक पर मारूं। आप समझिए कि बौद्ध धर्म की शिक्षा लेकर के मैंने एक बड़ा लाभ ये पाया, जब मैं वहाँ गया तो इतना क्रोध जलता था। उस समय मुझे एक ठेर गाथा की गाथा याद आई, पुब्बे हनति यत्तानंग पच्छा हनति सो परे, कि जब क्रोध करते हो तो सबसे पहले हानि तुम अपनी करते हो, दूसरों की हानि बाद में करोगे। इतना बड़ा, ये लगा यूरेका मेरे सामने आ गया, दिस इज नथिंग बट यूरेका। इतना बड़ा अनुभव जीवन में कभी नहीं मिला। इसका लाभ ये हुआ, ये मैं नहीं कहता कि मैं क्रोध नहीं करता हूँ, अभी भी क्रोध हो जाता है, लेकिन क्रोध मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकता, ये मैंने देखना सीखा। और ये देखना सीखने के लिए भगवान बुद्ध का उपदेश है, जो उन्होंने कहा कि नहीं, बार बार देखना होगा, भावेति बढ़ेति ब्रूहेति आसेवति बहुली करोति। ये सारे शब्द पर्यायवाची नहीं है, भगवान बुद्ध कहते हैं कि इसको बार बार करना पड़ेगा। अगर अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में कल्टिवेट करना चाहते हो तो बार बार करना पड़ेगा। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो एक बार में समझ जाते हैं सारी बात को, लेकिन हम लोग तो साधारण जीव हैं, साधारण जीव को तो बार बार करना पड़ता है। तो इस तरह का लाभ आपको होगा,
और भगवान बुद्ध ने जो बात कही कि सुतमया प्रज्ञा, उससे कुछ फायदा नहीं होगा, चिंतामयी प्रज्ञा से भी कुछ नहीं होगा, चिंतामयी प्रज्ञा से नहीं होता, अगर होता तो हेराक्लिटस जैसा फिलोसफर वो भी निर्वाण की प्राप्ति कर लेता। आप जानते हैं कि हेराक्लिटस ग्रीक फिलोसफर था, उसने इतना तो कहा कि यू कैनॉट टेक बाथ इन द सेम रिवर ट्वाइस, दो बार आप एक नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नदी चलती रहती है, अनित्य है। उस अनित्यता का बोध उसको इंटेलेक्चुअल लेवल पर हुआ, बौद्धिक धरातल पर हुआ, लेकिन आध्यात्मिक धरातल पर नहीं हुआ। आध्यात्मिक धरातल पर होता तो उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती और कभी फिर अटैचमेंट नहीं होता। ये अनित्य दुख अनात्म को अनुभव करने के लिए आपको इस तरह की बात करनी पड़ेगी, आसेवती भावेती ब्रूहेती बहली कुरती, इस तरह की बात भगवान बुद्ध के धर्म में, भगवान बुद्ध के साहित्य में भरा पड़ा है। और हम समझते हैं कि संसार का कल्याण इसी से हो सकता है, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। ये विपस्सना जब मैंने किया, विपस्सना एक ऐसी चीज़ है जो अगर आजकल प्रैक्टिस किया जाए तो समाज में बहुत सारे लोग अपनी उन्नति कर सकते हैं, और अपनी उन्नति के साथ साथ औरों की भी उन्नति उससे संभव हो सकती है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ये मैंने कहा कि पाली साहित्य पढ़ने का एक अद्भुत फायदा हमको मिला जो और किसी साहित्य के पढ़ने से नहीं मिला। भगवान बुद्ध का जब व्यक्तित्व देखते हैं तो कितना बड़ा व्यक्तित्व है। वो आदमी अकोधेन जिने कोधन असाधुं साधुना जिने जिने कदरी अंगदाने न सच्चे नानी के वादिनम, एक्सपेरिमेंट करके दिखलाया उसने। आकोषक भारद्वाज ने जब गाली दी भगवान बुद्ध को, तो भगवान बुद्ध ने बहुत शांत भाव से पूछा कि अगर कोई यहाँ तुम्हारे उपहार देने के लिए आता है तो तुम अगर नहीं लोगे तो क्या करोगे? तो कहा कि हम नहीं लेंगे तो उसी का हो जाएगा। तो कहा कि मैं तुम्हारा दिया हुआ नहीं लेता हूँ, ये सब तुम्हारा ही हो जाए। कितना शांत चित्त से उन्होंने कहा, ऐसा व्यक्ति आपको संसार में नहीं मिलेगा। इसलिए बुद्ध धर्म का प्रभाव इतने सारे संसार में पड़ा है, और उस तरह से अगर जीवन जिया जाए तो हम समझते हैं कि संसार में शांति आ सकती है। भगवान बुद्ध ने सबको गले लगाया, जितने डाउन ट्रॉडन थे, गणिकाएँ थीं, सबको उपदेश दिया, किसी को ये नहीं कहा। डोम सुप्पी वगैरह जितने लोग थे सबको उपदेश दिया, सबको अपना समझा, गणिकाओं को उपदेश दिया, उनको समझाया, वो भी अर्हत हुई। तो भगवान बुद्ध के उपदेश पर जो चलेगा वो बहुत कुछ कर सकता है, और विपस्सना जो करेगा, आसेवती बढ़ेती भावेती ब्रूहेती बहुली करोती, ऐसा जो करेगा जीवन में उसको बहुत लाभ होगा। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, इतना ही करके आसन ग्रहण करता हूँ। अत्यंत सहज ढंग से व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से इतनी बड़ी बात कह देना, ये कला कम लोगों के पास हुआ करती है, और शायद बहुत दार्शनिक गूढ़ चिंतन की ज़रूरत भी नहीं है यह कहने के लिए कि पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है रहना। और शायद भगवान बुद्ध की इस वाणी और इस संदेश को ही कहीं न कहीं कबीर ने इस शहर में जाना होगा, पढ़ देख पंडिता रह देख सारम, अपनी करनी उतरवा पारम। उसके पहले गोरखनाथ ने भी शायद बुद्ध से ही जाना होगा, कहन सुहेली रहन दुहेली कहन रहन बिन थोथी, पढ़ा लिखा सुआ बिलाई ले गई पंडित के हाथ रह गई पोथी। तो कहना पढ़ना ज़्यादा जरूरी है रहना, उस रहने को आपने रहने के अनुसार व्याख्यायित किया, हम आपके बहुत आभारी हैं। और अब इसके बाद हमने पहले भी कहा था कि यह सभा आज का यह सत्र समृद्ध हुआ है प्रोफेसर अनंत कुमार जी की उपस्थिति से। सूची में आपके नाम के आगे भले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय लिखा हो, लेकिन हम तो गर्व करते हैं कि प्रोफेसर अनंत कुमार बनारस के हैं, सारनाथ के हैं, लीजिए। और ये संशोधन हरकेश जी ने किया, तो मैं बहुत आदर के साथ अनंत कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ महत्वपूर्ण वक्तव्य के लिए। बहुत धन्यवाद इस आत्मीय स्वागत के लिए। श्रद्धेय अध्यक्ष
संत रेवत जी, हम लोगों के कुलपति वांग चुकला, देश के विभिन्न संस्थानों में श्रेष्ठतम नालंदा महाविहार के आचार्य, तिब्बत हाउस जैसे प्रकाश स्तंभ के निर्देशक और इस आयोजन के सहयोगी संस्थान के प्रतिनिधि, विद्वत समाज, भिक्षुगण और विद्यार्थी मित्रों, ये समय अभिनंदन का है क्योंकि भारत सरकार ने तिब्बती विद्या संस्थान को इस राष्ट्रीय उत्सव के क्रम में जोड़ा है और तिब्बती विद्या संस्थान ने भारतीय संस्कृति में बौद्ध जीवन शैली और परस्पर सौहार्द को संवाद का विषय बनाया और जिस तरह के विद्वानों को एकत्रित किया गया है, जो अभी से लेकर के लगभग 5 बजे तक संवाद चलेगा, वो भी बहुत सुखद है। और मुझे आशा है कि जो बातें आज इस ऐतिहासिक सदन में होंगी उसकी गूंज बहुत दिनों तक चलेगी। 1956 में जब 2500 बरस का उत्सव मनाया जा रहा था, तब मेरा सौभाग्य था कि मैं उस उत्सव में अपने दादाजी की उंगली पकड़ के आया था। फिर बुद्ध की जो जीवन यात्रा रही, विचार यात्रा रही, उसको हम लोगों ने आचार्य रिंपोछे, पंडित जगन्नाथ उपाध्याय और हमारे अपने परिवार के अग्रज कृष्णनाथ जी, रमेश तिवारी जी आदि के जरिए सीखा। लेकिन फिर भी मैं आज इस विद्वत समाज में अपने को बहुत लघु पाता हूँ क्योंकि मेरा अपना जीवन का अध्ययन का ज़्यादा समय तो समाजशास्त्र और जो थोड़ा बहुत समय बचा है वो आंदोलनों में बीता। उस आंदोलन के कारण ही हम लोग तिब्बत मुक्ति साधना से जुड़े। फिर भी जो समझ मिली वो ये है, आचार्य नरेंद्र देव ने बहुत पहले कहा कि हमारा जीवन शुभ और अशुभ का ताना बाना है। उसमें बुद्ध भारतीय मनीषा परंपरा में और बुद्ध धर्म शुभ का श्रेष्ठतम पक्ष है। आज भी आप सबके, आप बहुतों की तरह से मुझे भी दुनिया में जाने आने का मौका मिलता है, तो भारत की पहचान के लिए अगर एक नाम सबसे पहले दुनिया के अफ्रीका से लेके लैटिन अमेरिका तक लोग याद रखते हैं तो वो गौतम बुद्ध का होता है। और जब कहिए कि हम तो सारनाथ में ही रहते हैं तो वो तो अत्यंत श्रद्धा भाव से आपको देखते हैं। हम समाजशास्त्री ये मानते हैं कि समाज का जो ताना बाना है वो उस आधार पर बनता है जिसको प्रतीत्य समुत्पाद जैसा शब्द इस्तेमाल किया बौद्ध विमर्श में। जैसा हमको महसूस होता है, जैसा हमको अनुमान लगता है, जैसा हमको प्रतीत होता है, उसी के आधार पर हम आपके साथ संबंध बनाते हैं और ये संबंधों का ताना बाना जो परिवार से शुरू होता है वो विश्व तक हमको ले जाता है। अभी समाज में भारतीय विमर्श में बताया गया कि भारतीय नहीं, पूरे विश्व के समाज की दो ही प्रवृत्तियाँ हैं जो चालक हैं, एक है लोभ, एक है भय। हम आप 2500 साल से सुन रहे हैं कि रास्ता है, लेकिन उस रास्ते पर हम चलते क्यों नहीं हैं? क्योंकि हमको लोभ है और या फिर भय है। लोभ और भय के इस दो पार्ट में कोई बचा नहीं, ये कबीर बनारस में बता गए, नानक ने बताया, तुलसी ने बताया और अभी हाल में गांधी ने बताया था। जो चार महासत्य हैं वो बुद्ध ने यहीं 2500 साल पहले बताया, लेकिन हमने सुना नहीं। हम दुख से आतंकित हैं लेकिन दुख से मुक्ति का मार्ग क्या है ये हमको मालूम नहीं, तो हम चारों तरफ हिंसा, ईर्ष्या, आक्रमण, संचय, जाने क्या क्या विधियां अपनाते हैं, जबकि 2500 साल पहले ही एक महाचिकित्सक ने हमारी चिकित्सा कर दी थी और दवा भी बताई थी। अब आप ना खाएं तो आपका दोष है, चिकित्सा या चिकित्सक का तो दोष है नहीं। लेकिन ऐसा हुआ कि ये पिछले 5000 साल तक चलते चलते मनुष्य ऐसे मोड़ पर आ गया है कि अब समय नहीं है। आजकों ने हम सब लोगों को 10-10 मिनट का समय दिया, वो भी बहुत है। लोग कहते हैं 30 साल के अंदर ये दुनिया पूरी तरह से खोखली हो जाएगी, ये फॉसिल फ्यूल कोयले से लेके पेट्रोल डीजल तक रहेगा नहीं। और युद्ध का इतना भयंकर प्रताप और प्रकोप होगा कि पड़ोसी पड़ोसी को नहीं छोड़ेगा। ये जो यूक्रेन और रूस है ये तो एक ही राष्ट्रीयता के हिस्सा थे ना, सोवियत संघ, आज एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। दक्षिण एशिया विश्व का सबसे ज़्यादा युद्ध के तनाव से पीड़ित क्षेत्र है, चीन और भारत
भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ तक कि श्रीलंका में भी युद्ध का गाना गाया जा रहा है। तो ये जो मोड़ आया है उसमें समय बिल्कुल नहीं है, अत्यंत अतिशीघ्र हमें एक तरह से अहिंसा जो सबके प्रति हो, मैत्री जो मनुष्यों के बीच हो, करुणा जो मनुष्य की तरफ से अन्य जीव जंतुओं की तरफ हो, और उत्तरदायित्व की भावना जो प्रकृति के प्रति हो। ये चार तत्व अगर नहीं मिलते हैं तो हमें कोई बचा नहीं पाएगा, ऐसा वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक, स्त्री पुरुष कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि बुद्ध ने और बुद्ध के पहले और बाद में सभी विवेकी जनों ने कृष्ण की गीता से लेकर के अभिधम्म कोश तक कर्तव्य की केंद्रीयता की बात की। हम अपने कर्तव्य को छोड़ के बाकी सब करते हैं, हम दूसरों की समीक्षा करते हैं, दूसरों की आलोचना करते हैं, लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी है परिवार से लेकर के मानवता के प्रति, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। और जब जब आप बुद्ध का साक्षात्कार करते हैं तो कर्तव्य की केंद्रीयता का ध्यान आता है, कृष्ण का साक्षात्कार करते हैं तो कर्तव्य का महत्व समझ में आता है। लेकिन हम कर्तव्य के पहले उसके परिणाम की चिंता करते हैं, हमको क्या मिलेगा, व्हाट इज़ इन इट फॉर मी, ये हमारा पहला सवाल होता है। हमें करना क्या है ये तो बाद का सवाल है, हमको का हमके का मिली गुरु इमन, जब हमके कुछ न मिली तो इमन झंझट में पड़े से फायदा का, गंगा जी प्रदूषित होते होए था, शहर में झंझट होता होए था, हमके का मिली। ये जो भाव है ये खाली हम बनारसियों का नहीं है, पूरी दुनिया का, और यूरोप अमरीका का है सबसे ज़्यादा। संयुक्त राष्ट्र संघ की चर्चा की आचार्य जी ने जो तिब्बती संस्थान के निदेशक हैं, सचमुच इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नाम पर 17 लक्ष्यों को लेकर के सारी दुनिया इकट्ठा हो गई है, और उन 17 लक्ष्यों में सबसे बड़ा लक्ष्य है भूख से मुक्ति, निरक्षरता से मुक्ति, हिंसा से मुक्ति। और 2500 साल से भारत कह रहा है कि इसका रास्ता है, बशर्ते कि आप करुणा, करुणा और करुणा के इर्द गिर्द अपने जीवन को, अपने राष्ट्र को, अपनी सभ्यता को, अपने परिवार को बनाएं। करुणा छोड़ के बाकी सब हमारे बीच में है, करुणा नहीं है, क्योंकि करुणा से हमारा लाभ नहीं है, मानवता का लाभ होगा, पड़ोसी का लाभ होगा, लेकिन हमारा क्या लाभ है। इसी में जो अगली बात है वो सब लोग मान चुके हैं, युद्ध नहीं चाहिए, बुद्ध चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, तमाम राष्ट्रों के, आज भी 300 छोटे बड़े युद्ध रूस और यूक्रेन से लेकर के छोटे छोटे मुट्ठी भर के देशों के बीच में चल रहे हैं। सब जानते हैं कि युद्ध नहीं चाहिए, बुद्ध चाहिए, लेकिन सब मानते हैं कि युद्ध अगर हो गया तो हमारा झंडा थोड़ा और ऊंचा हो जाएगा। ये जो आग्रह है, ये जो आकर्षण है, ये जो आपने भी दुर्योधन के बारे में कहा आचार्य जी ने कि नीति क्या है ये तो हमको मालूम है लेकिन उधर हमारी प्रवृत्ति नहीं है, अनीति क्या है ये भी मैं जानता हूँ लेकिन उससे मेरी निवृत्ति नहीं, ये खाली दुर्योधन का संकट नहीं, ऐसा लगता है कि सारी दुनिया इस समय दुर्योधन के नेतृत्व में चल रही है, और नेतृत्व कृष्ण का चाहिए, नेतृत्व बुद्ध का चाहिए। एक और सवाल है अन्यता का, छोटा बच्चा सबको एक मानता है, किसी की गोद में जाके मुस्कुराने लगता है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे हम समझदार होते हैं, अन्यता हमारे ऊपर हावी हो जाती है, ये हमारा नहीं है, ये भी हमारा नहीं है, ये भी अपना नहीं है, बाद में अपना सगा भाई और बहन भी अपने नहीं लगते हैं, कचहरी जाके अदालत में हम झगड़ा करते हैं एक दूसरे से कि इतना टुकड़ा हमारा था, हमारे बाप ने उसको दे दिया, वो बेवकूफ़ थे, हम समझदार, हमको लौटा दीजिए। और ये अन्यता का भाव बुद्ध से हमको, बुद्ध के प्रकाश से छुटकारा दिला सकता है, लेकिन बुद्ध का प्रकाश चाहिए किसको? दुनिया में इस समय चौथा सबसे बड़ा विचार प्रवाह बुद्ध का है, दुनिया में ईसाइयत, इस्लाम, हिंदू धर्म, फिर बौद्ध धर्म। मुझे सौभाग्य मिला है बुद्ध के वचन को सुनने का, दलाई लामा जी के श्रीमुख से, ताबो से लेकर के बर्लिन तक, कितने आग्रह से दुनिया उनको सुनना चाहती है, कितने अपनत्व से दलाई लामा और तमाम बौद्ध चिंतक हमें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम मूढ़मती हैं, पत्थर पर रस्सी से निशान पड़ जाए तो पड़ जाए, हमारी बुद्धि सुधरने से सुधरने का हमारी बुद्धि नाम नहीं लेती, और हम मतलब ये जो 7.5 अरब मनुष्य इस समय, और इसी में पर्यावरण का संकट है, इसी में भूख का संकट है, और इसी में हम सब का संकट है। तो आत्म प्रकाश की बात जो भारतीय संस्कृति दुनिया को बता रही है, इसमें बुद्ध का निर्मल योगदान है,
बुद्ध धर्म का निर्मल योगदान है। इसमें भारतीय विचार विमर्श में, शिक्षा संसार में, तिब्बती विद्या संस्थान जैसे छोटे से संस्थान हैं लेकिन बहुत प्रकाशमय है, और ये काम और विश्वविद्यालयों को करना चाहिए। अभी जब आचार्य जी बता रहे थे कि हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी है जो टेक्नोसेंट्रिक है, कोई समस्या उसका समाधान टेक्नोलॉजी कर देगी। अब टेक्नोलॉजी खुद थक गई है, कोई भी समस्या उसका समाधान वैश्वीकरण में होगा। भारत में तो पश्चिमीकरण की आधी ही थी कि भविष्य कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, तो कहा था किसी ने कि कश्मीर में है, कश्मीर में है, कश्मीर में है। लेकिन नहीं, जब हम लोग अमेरिका गए पढ़े लिखे लोग, तो हमने कहा दुनिया में स्वर्ग यहीं है, यहीं है, यहीं है। अमेरिका चलो, यूरोप चलो, कनाडा चलो, पंजाब में तो बीमारी है, कहाँ जाओगे, पढ़ लिख करके कनाडा जाएंगे। ये जो भागने का स्वभाव है, इसको राहुल जी ने बहुत पहले कहा था, भागो नहीं बदलो। और आज अब भागने की कोई जगह नहीं बची है, बदलने की ही ज़रूरत आ गई। जो भारत की सबसे खूबसूरत नगरी है, सबसे दुलारा शहर है, उसका नाम है नई दिल्ली, हमारी राजधानी है। वहाँ सब कुछ है लेकिन न पीने का पानी है, न जीने की हवा है। इस समय चीफ मिनिस्टर का अपना बंगला, थोड़ी सी बरसात हुई है, इंच दो इंच डूब रहा है, पानी थोड़ा सा बरसता है, चेन्नई हवाई अड्डा हिंद महासागर का हिस्सा बन जाता है, बम्बई में आना जाना मुश्किल हो जाता है। तो जो पर्यावरण का संकट है और जो मानवता का संकट है, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हो गए। पर्यावरण का विनाश हम कर रहे हैं, कोई अन्य ग्रह के लोग नहीं कर रहे हैं, और बिना पर्यावरण के हम जिएंगे नहीं, ये बात 2500 साल पहले ही कही गई, लेकिन अब दुनिया के अपने अनुभव में गूंज रही है। मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ ये कहते हुए कि दलाई लामा ने खुद हमको बराबर ये बताया कि वो जो कुछ हैं, और उस समय वो विश्व के श्रेष्ठतम शिक्षक हैं। कहा हम नालंदा परंपरा के हैं, नालंदा परंपरा ने हमको ये प्रकाश दिया। नहीं, हम तिब्बती लोग भी बहुत खतरनाक जीवन शैली जी रहे थे, और नालंदा परंपरा भारत की है। अभी क्वांटम फिजिक्स की बात हुई, अभिनव गुप्त, उन्होंने इस पर बहुत काम किया कराया। तो बीच बीच में प्रकाश के कई स्रोत हैं, उनको अगर हमारे विश्वविद्यालय ध्यान दें, और विश्वविद्यालय भी बहुत बढ़ गए हैं। जब भारत आज़ाद था तो 17-18 विश्वविद्यालय थे, ऐसा हमारे शिक्षा शास्त्री हरिकेश जी ने बताया, अब 800 से ज़्यादा हो गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने तो बीच में बताया कि हर दिन एक नया विश्वविद्यालय खुल रहा है, लेकिन ये विश्वविद्यालय बन रहा है या विश्वविद्यालय बन रहा है, ये देखना मुश्किल, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पर वही तलाश है पैकेज की। हम पढ़ेंगे लिखेंगे 1 करोड़ का पैकेज मिलेगा, वो पैकेज लेके करोगे क्या? 30-40 बरस की उम्र में जीवन शैली के संकट आ गए। तो जो बात हमारे योगदान की है, उसमें व्यास ने लिखा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीर्णम्। यही बुद्ध का भी सारांश है, हो सके तो परोपकार करो इस शरीर के जरिए, पाप पर पीड़ा में है, चाहे वो जीव के प्रति हो चाहे मनुष्य के प्रति हो। और ये जो संदेश है एक वाक्य का, व्यास से लेकर के बुद्ध तक, ये हमारी धरोहर है, हमारी विरासत है। मुझे बहुत खुशी है कि आचार्य वांगचुक जी ने इस राष्ट्रीय उत्सव के संदर्भ में हमारी अपनी विरासत को इन विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए हम लोगों को बुलाया और एक दूसरे को सुनने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण, गूढ़ एवं सुचिंतित वक्तव्य आपने वर्तमान वैश्विक विभीषिका का जैसे एक खुला रूप हमारे सामने रखा। हम कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं और कहाँ जाना है ये पता नहीं है। एक तरफ आपने एक और बहुत महत्वपूर्ण संकेत किया कि पूरे विश्व में अगर भारत गुरु है, भारत गुरु होने की तरफ अग्रसर है, तो किसके कारण? भगवान बुद्ध के कारण। उस तरफ भी आपने संकेत किया है। हम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इस महत्वपूर्ण कथन के लिए हम बार बार आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। हमारे बीच में शिक्षा शास्त्र के एक बड़े पंडित, एक विश्वविद्यालय के कुलपति, लेकिन हम सब लोग यह समझते हैं, जानते हैं कि हमारे अपने, और अपने इस रूप में
कि जिनके चेहरे पर एक बचपन खिलता है हमेशा, एक सौंदर्य खलकता है हंसी का, प्रोफेसर हरकेश सिंह जी हम सबके अपने हैं। मैं बहुत आदर के साथ आपको आमंत्रित करता हूं। मैं यहां उपस्थित सभी लोगों की तरफ से एक बार पुनः तथागत को, जो विश्व के आज भी श्रेष्ठतम ऋषि हैं और जिनकी प्रतिमा से हमें जो प्रतिभाएं मिली, जिनके चित्र से हमें जो चित्त मिल रहा है, यह इस संगोष्ठी की सफलता है। मैं भगवान बुद्ध को भगवान मानते हुए, उनका अवतार मानते हुए, आप सब लोगों की तरफ से एक भाव होते हुए, समभाव होते हुए पुनः प्रणाम निवेदित करता हूँ, श्रद्धा व्यक्त करता हूँ। तदुपरांत आज के इस हमारे अग्रज और पारिवारिक मित्र अभिभावक के रूप में भाई आनंद कुमार जी ने कहा और पूरे भाव से कहा कि ये विश्वविद्यालय, जिसको अभी भी लोग संस्थान कहते हैं, डीम्ड टू बी अब फिर कहने लगे, लेकिन हम लोगों ने तो इसके संस्थान के स्वरूप को भी देखा है और केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में भी यहाँ देखा। इस देश के प्रथम नागरिक की उपस्थिति में यह केंद्रीय विश्वविद्यालय था, फिर डिम्ड हो गया, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि हम लोग जिस आँख से जिसको देखना कहते हैं, भोजपुरी में लौकना कहते हैं, प्रोफेसर अंगराज जी, अगर जितनी चीज़ों हम लोगों ने देखा है और जो कल्पना अगर कर सकते हैं, तो कल्पना का वास्तविक रूप अगर स्वर्ग का कोई अंश होता होगा, माइक्रो रियलिटी, तो वो तिब्बती संस्थान है। सारनाथ में आकर के सार तत्व अगर कहीं मिलता होगा तो यही मिलता है। मैं यहाँ का विद्यार्थी रहा हूँ इस रूप में कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाते समय मेरे साथ एक साल जूनियर आनंद भाई आप जब थे, तो दो तिब्बती विद्यार्थी, मैं एमएड कर रहा था, वो बीएड कर रहे थे। आंदोलन हम लोग का चल रहा था, आप चला रहे थे, आप ही के नेतृत्व में, लेकिन तिब्बती लोगों की पीड़ा का मुझे एहसास है। आई हैव द रियलाइजेशन ऑफ द टिब्बतन पीपल देयर एग्जाइल एंड व्हेन इवन आवर मोस्ट एस्टीम्ड वर्ल्ड लीडर हिज होलीनेस सेज वी द रिफ्यूजीज, द मोस्ट सीरीन पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर द एग्जाइल पीपल एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट ट्रेजडी एंड ट्रामा टू द वर्ल्ड ह्यूमैनिटी, दोज हु क्लेम दैट वी आर द प्रोटागोनिस्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। आज तक आनंद भाई यूएनओ में एक प्रस्ताव भी नहीं आया एजेंडा में, आइटम्स ऑफ द एजेंडा में यहाँ का। मैं आज यहाँ उपस्थित सभी लोगों की दिव्य आत्माओं से यही प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि कम से कम इस दशाब्दी में, इस शताब्दी के इस दशाब्दी में, विश्व में जो भी भुक्ति के तरफ तो सब हैं और मुक्ति के तरफ, लेकिन अगर विश्व के सबसे श्रेष्ठ मानव जात अगर अपने को शरणार्थी कही रहे करती रहेगी, तो हम ये कह सकते हैं कि हम बुद्ध के मार्ग पर नहीं जा रहे हैं, हम मुक्त के मार्ग पर नहीं जा रहे हैं, हम भुक्त के मार्ग पर जा रहे हैं। और जो तीन बिंदुओं की तरफ प्रारंभ में ही मुख्य वक्ता बिशप का जो प्रवर्तन किया भिक्खु दोर्जे दुमकुल जी ने, कि फिजिक, फिजिक्स एंड फिर पीस की बात जो कही या साइकी की बात कही, इसमें एंटी लिनियरिटी नहीं है, देयर इज कंप्लीट कोलिनियरिटी एंड इन आवर सनातन ट्रेडिशन वी हैव द आइडिया ऑफ अनफोल्डमेंट ऑफ द सेल्फ एंड देयर आर फाइव ऑर्बिट्स, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश एंड आनंदमय कोश। तो आनंद जी ने तो आनंद और प्रारंभ से ही, लेकिन ये सही है कि देयर आर नॉट सो मेनी एंटीथीसिस,
in knowledge also. Knowledge is holistic, nature is holistic, cosmos is holistic, even individual is holistic. That's why there is a very great dictum, Dikshit ji, Professor Dikshit ji, ki yat pinde tad brahmande, yat brahmande tad pinde. What is there in the universe, cosmos? That is in the individual. And this relationship, the basic vector of the knowledge, we forget, and that's why we do not even forgive ourselves. That's why so there are so many traditions. आप मंच पर उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम करते हुए मुझे 10 मिनट का थोड़ा सा बोध है, क्योंकि मैं यहाँ से सीखा है मैंने दो चीज, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रहते हुए शिक्षा संकाय में छात्र भी था और शिक्षक भी था, हिज होलीनेस को भी अपने संकाय प्रमुख के समय मैंने वहाँ बुलाया था, वो सौभाग्य मिला कमच्छा को जहाँ पर श्री अरबिंदो कभी आए थे और सभी रिवॉल्यूशनरीज 1905 में आए थे जिस परिसर में। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि मैंने यहाँ पढ़ाया, और जिन दो जो कंचुक फेलगी हमारे साथ थे, जो रिंपोचे साहब से थोड़े ही छोटे थे, उन लोगों के साथ में उनको गांव ले जाता था, अपने साथ रखा, फिर कुछ साल तक हुआ, फिर बाद में जब बीएचयू ने कहा कि अब सेंटर टेस्ट वेस्ट होने लगा तो यहाँ के बच्चे यहीं पढ़ाने के लिए, तो फिर ये था कि कौन इनको पढ़ाएगा टीचर एजुकेशन में, तो हम कुछ लोग, पांच लोग आते थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। तो इसलिए मैंने कहा कि रामजी भाई, प्रोफेसर रामजी सिंह या अन्य जो प्रोफेसर रामशंकर तिवारी जी या पंडित जगन्नाथ मिश्र जी, जगन्नाथ उपाध्याय जी से भी यहीं पर उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा था तो हम लोग भेंट होती थी, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं यहाँ का छात्र भी रहा अनुभूत के आधार पर, और मैं यहाँ का शिक्षक भी था और अभी भी आना जाना, तो दो चीज़ सीखा। एक तो प्रोफेसर रिनपोचे साहब से सीखा कि टाइम का, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टाइम। हिज होलीनेस से आप ही लोगों ने आयोजन किया था, दोरजे साहब, नेगी साहब, सब लोगों ने 4 साल पहले, आनंद भाई, अगर मैं कह सकता हूं कि अपने जिंदगी का सबसे बढ़िया अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार या संगोष्ठी तो यहीं पर हुआ था, एंड द बेसिक टॉपिक ऑफ दैट वाज, दैट सेमिनार वाज The humanity in the era of disruption. आज के era का नाम ही है disruption. This is the era of disruption. विघटन, विवाद, हताशा, विनाश, ये सारे शब्द लिखे हुए हैं जब आप thesaurus of या synonyms of disruption देखते हैं. In the era of disruption, वह नोबल पुरस्कार पाने वाला, जिससे शायद आपकी भेंट भी होगी आनंद जी, हमसे तो भेंट नहीं, मैं भी लंदन गया था, लेकिन इसी सारनाथ में यहीं पर जब बुद्ध, भगवान बुद्ध संदेश देते हैं, तो आज भी दुनिया के बचाने का एक रास्ता है और वह है अपरिग्रह। और जब अपरिग्रह की इकोनॉमिक्स ऑफ नॉन होल्डिंग पर जब पुस्तक लिखते हैं सुमाकर, स्मॉल इज ब्यूटीफुल किताब का नाम है, नोबल पुरस्कार मिलता है अर्थशास्त्र का, उस संदर्भ में मैं फिजिकल रूप में भी कहना चाहता हूं आनंद भाई, आपसे आज्ञा लेकर, दुर्मुल साहब से आज्ञा लेकर के, कि सेंट्रल टिप्टन इंस्टीट्यूट छोटा इंस्टीट्यूट है, लेकिन मेटाफिजिकली भी भगवान बुद्ध से स्मॉल इज ब्यूटीफुल, और इंस्टीट्यूशनल स्मॉलनेस इज ऑल्सो द मोस्ट ब्यूटीफुल। इसलिए इस संस्था में मुझे बहुत ही अनुभूत होती है, सीरेनिटी की अनुभूत होती है, सिविलाइजेशनल जिन वैल्यूज की बात, जिसको दर्शन में प्रद्युम्न दुबे जी, कमलशील भाई, अन्य लोग कहेंगे, राम सुधार भाई, पिछले 50 साल से 40 साल से तो कस के हो ही रहा है, 50 साल से एक शब्द चला है, 4-5 शब्द है, इसमें भी आ गया है भाई दिवे, 5 क्राइसिस जो है वही आजकल के स्लोगन है या सेमिनार के टॉपिक भी है, जैसे When there is hysteresis or degeneration of values, तो फिर हम कहते हैं वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन। एम के दास साहब हमारे सब्जेक्ट के सबसे बड़े विद्वान हैं, सामने हमारे मित्र हैं, वैल्यूज और एजुकेशन दो होते ही नहीं हैं, मूल्य और शिक्षा एक ही है, इसलिए धर्म शिक्षा है पहला जो आश्रम है, रिलीजन इट सेल्फ इज एजुकेशन,
और मैं ही नहीं कह रहा हूँ, वो तो जायसवाल जी भी कर, केपी जायसवाल जी भी कह रहे हैं। तो ये मैं और ये किसी के कहने की बात नहीं है, धर्म यही है। धर्म कोई वो जो अभी कभी कभी कुछ संगठन के लोग बोलते हैं रिलीजन धर्म नहीं है, धर्म ये नहीं, नो, धर्म तो दो है, केवल दो शब्द में है धर्म। इफ आई हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज रिलीजन, आई विल एक्सप्लेन द ओनली टू डाइपोल्स पोल्स आर द सिचुएशंस वेयर रिलीजन स्टार्ट्स एंड एंड्स आ पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, जिसको आपने कहा, और परहित शरम सरिस धर्म नहीं भाई। अल्ट्रुइज्म इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू, अल्ट्रुइज्म। टेक्नोसेंट्रिसिटी को जो आपने कहा आनंद भाई आचार्य नरेंद्र जी के जो जिन्होंने यहाँ हमारे नेगी साहब ने भी लिखा है अभिधम के बारे में, और आचार्य नरेंद्र जी तो यात्रा में रेल यात्रा में बौद्ध धर्म पर सबसे बड़ा लिखा, और हमारे कुलपति भी रहे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, लखनऊ विश्वविद्यालय आदि। मैं इतनी कह करके केवल अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ, मैं सामने इसलिए घड़ी रख लिया कि जिनको मैंने गुरु माना अपने जीवन में, प्रोफेसर सामदंग रिनपोचे साहब को, जब वो बोलते थे तो समय का और कार्यक्रमों को समय का और मनुष्यता का मैं कोई बहुत बड़ा प्रतिपादन नहीं कर सकता हूँ। विषय परिवर्तन का व्याख्यान, थेरो साहब जो बोलेंगे उनका व्याख्यान, दो नेगी साहब जो बोलेंगे आगे, और जो अब तक बोला है जिन लोगों ने, या इंटरनेशनल सेंटर फॉर कल्चरल स्टडीज़ के जो हमारे मित्र बोलेंगे, ये सब लोग, और आनंद जी हमेशा हम लोगों के ये मेंटर भी रहे हैं। तो इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि सही चीज़ तो अभी आपने प्रतिपादित कर दिया, जिसको कैपराय और अन्य लोगों का नाम लेकर लोग कहते हैं। मैं अभी एक किताब 5 दिन पहले बंगलोर में इसे देख रहा था एकदम, तो मुझे, मैं किताब को पढ़ रहा था और मैं अपने गांव के अपने दादा के या अन्य लोगों के विचार को सुन रहा था, तो मैं कह रहा कि मेरी दादी और दादा और मेरी माँ भी नहीं पढ़े थे, दे वेर इलिटरेट लिटरली, बट देयर एजुकेशन वॉज ऑफ द सुप्रीम। इस माने में कि एक किताब में पढ़ रहा था दास साहब जंगलों के बारे में, यहीं पर अंग्रेज अधिकारी ने लिखा, फॉरेस्ट ऑफिसर ने, उसका नाम है पीटर ओलेन बेन, पीटर ओलेन बेन उसका नाम है, और किताब का नाम है द हिडन लाइफ ऑफ ट्रीज। वो समझ रहे हैं, हम साइनर्जी बोलते हैं और साइनर्जी शब्द का फिजिक्स का टीचर भी नहीं बता पाता है कि साइनर्जी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। और आपका वो विषय सुनीता जी कि जब दो सिस्टम कोई भी या दो से अधिक सिस्टम अलग अलग एक दूसरे को कोऑपरेट करके ग्रो कर रहे हों, तो तीनों के जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, तीनों का जब जोड़ दिया जाए तो वो जो तीनों का आ रहा है और तीनों का अलग अलग जो आ रहा है, तो तीनों को जोड़ दिया जाए तब से उससे जब अधिक हो, तीनों के जोड़ से अलग अलग जोड़ से अधिक हो, तो उसको साइनर्जी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर तो साइनर्जी लिख दिया उसमें बैटरी में, लेकिन वो तो सब खा जाता है। यह साइनर्जी और सिम्बियासिस जो आपके लाइफ साइंस के शब्द हैं, यही भगवान बुद्ध ने बताया था। इसलिए ऐसी संगोष्ठियां अगर जो हमारे यूनेस्को ने लिखा एक रिपोर्ट, डेलर्स रिपोर्ट है, जिसमें टैगोर के ही शब्दों को लेकर के कहा, उस रिपोर्ट का नाम है डेलर्स रिपोर्ट, डेलर चेयरमैन थे उसके, कर्ण सिंह जी गए थे उसमें 1996 में, और यूनेस्को ने छापा है, उसकी रिपोर्ट का नाम दास साहब यही ना है, लर्निंग : द ट्रेजर विद इन, सारा इसी में है, चार उसके स्तंभ हैं, देर आर 4 पिलर्स ऑफ लर्निंग। पहला टू बी, लर्निंग टू बी, आत्मयोग, लर्निंग टू नो, ज्ञान योग, लर्निंग टू डू, कर्म योग, लर्निंग टू लिव टूगेदर विद पीस एंड हार्मनी। पीस के परफेक्ट प्रॉफिट बुद्ध के सामने आपके ही शब्दों में अगर हम शपथ ले लें तो दुनिया को सुपथ मिल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ इंक्लूजन, वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन, इंटीग्रेटेड मॉडल, होलिज्म एंड पहले ही जो प्राइम थेसिस आपने आज कहा, दो भिक्खु दोर्जे
Dhumkal Sahab ne the whole metaphysical dialogue is now towards, directed towards oneness, the idea of oneness, the philosophy of oneness, the philosophy of sameness, the philosophy of integration, the philosophy of wholeness. And that's why integral yoga propounded by Aurobindo is the only remedy, which is also again the reflection of Buddhist thought. And that's why let us commit ourselves to follow the path of Buddhism up Dipo Bhava. और इन्हीं शब्दों के साथ अगर अपरिग्रह को आठ में से अगर एक का भी पालन कर लेंगे तो ओनली ऑस्टियरिटी इज द मेजर ऑफ सस्टेनेबिलिटी आर परफेक्शन आर परमानेंस आर व्हाटएवर वी में से दैट इज ओनली द नेक्टर द बुद्धिस्ट प्रपोजिशंस द बुद्धिस्ट डिक्टा are only the remedies for the modern crisis of the modern society. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर. जो महत्वपूर्ण वक्तव्य आज इस उद्घाटन सत्र में हो रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि आने वाले सत्रों में इन पर विस्तार से चर्चा की जाएगी. यह संकेत दिए जा रहे हैं कि आने वाले सत्रों में हमें किन पर विस्तार से बात करनी है. और कोई बहुत महत्वपूर्ण वक्ता अगर ये कहे कि हम सामने घड़ी रख करके समय का ध्यान रख रहे हैं तो और किसी को नहीं, संचालक को बड़ा सुख मिलता है थोड़ी देर तक के लिए. तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं इस वक्तव्य के लिए, इस संगोष्ठी और आज के आयोजन को प्रत्यक्ष रूप में फलीभूत करने के लिए, इसके सारी योजना बनाने के लिए प्रोफेसर अमरजीव लोचन जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अध्ययन केंद्र भारत सरकार के महामंत्री हैं. आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और आप का स्वागत करते हुए अनुरोध करते हैं आप अपना वक्तव्य दें. प्रोफेसर अमरजीव लोचन जी. भगवान बुद्ध को हृदय के हर कोने से नमन करते हुए, इस मंच पर आसीन हर व्यक्ति को प्रणाम करते हुए, दर्शकों में बैठे सब विद्वजन जिनके साथ संबंध मेरे 4 महीने से लेकर 45 वर्ष का है, उन सबको मैं नमस्कार कर रहा हूँ. आयोजकों की खुशी जो समय संचालन और नियंत्रण से होता है, उसका उदाहरण अभी अभी हमने देखा, आदरणीय ने प्रस्तुत किया. अब हमारा समय 10:50 का था और मैं 11:50 के आसपास आ रहा हूँ, तो मेरा कर्तव्य पुनीत हो जाता है कि मैं अपनी बात को उन विषयों पर रखूं केंद्रित करके जिसके कारण हम लोग इस निमित्त में यज्ञ में शामिल हुए. मैं बहुत ही आदरपूर्वक इस बात का प्रस्तुतिकरण करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इस G20 के इवेंट को एक महाउत्सव के रूप में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मनाने का निर्णय लिया, बाली में जब उन्हें इस स्थान के लिए, भारत के लिए जब झंडा मिला G20 का, मैं साक्षी था उस कार्यक्रम में. उस दौरान भारत में 100 से 200 लगभग कार्यक्रम हुए. G20 के अंतर्गत एक ही प्लेटफॉर्म है जहां एजुकेशन और कल्चर का समागम हो सकता था, वो है C20. और C20 की परंपरा G20 के अंतर्गत पिछले 9-10 सालों से है. उसी क्रम में हमें ये विषय मिला. मेरी सुविधा इस रूप में थी कि 3 ICCS जो संस्था है पूरे विश्व में ऐसी संस्कृतियों को जोड़ने का काम करती है, जो बोलिविया, कोलंबिया, माउरीज, रेड इंडियन जो कहले जाने वाले अमेरिका के आदिवासी कह लें, मूलवासी कह लें, उन सब के बीच में काम करने का जो सौभाग्य ICCS को होता है उन्हें मिला. और उस कार्यक्रम में मैंने थोड़ी सी बेईमानी करके 3 कार्यक्रम अपने हाथ लिए और इस संस्थान में जहां मैंने कई वर्ष एक नौकर की काम की भूमिका में करने का प्रयास किया गवर्निंग बॉडी के मेंबर में, उसके अंतर्गत मैंने सोचा जुलाई के अंत आते आते तक एक कार्यक्रम हम यहाँ ला सकें तो मेरा जीवन सफल होगा. इस सफलता को बनाने में 2
दे दीप्यमान तारे थे, प्रथमतः मैं नाम लूँगा डॉक्टर सुनीता चंद्र जी का, जो रजिस्ट्रार के रूप में आई तो एक नया उत्साह लेके आई, और चूँकि मैं उन्हें पहली बार मिला था कुछ महीना पहले ही, तो उस विषय को आगे बढ़ाने के क्रम में एक पुराने दांड्यायन को मिला जिनका नाम वांगचुंग नेगी जी हैं। उनका स्वभाव दांड्यायन वाला है, कुछ भी उनसे बड़ा वीतरागी भारत में इस समय बौद्ध धर्म में बहुत कम लोग हैं। उनसे मिला और उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया कि G20 का कार्यक्रम क्या है, C20 क्या है, समझा। मैं अलग से आया 15-20 दिन पहले, और उनका परिचय जो मेरे 28 वर्षों का था उसकी बेईमानी में उन्होंने सहर्ष हाँ कहा। मैं आप दोनों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को करने का मौका दिया। पूरे भारत में G20 C20 के इवेंट में एक भी बौद्ध धर्म से संबंधित कार्यक्रम नहीं था, ये पीड़ा थी मेरे मन में। और जब मैं आया तो जब इस पीड़ा को दूर करने के लिए आप दोनों ने मिलकर जो मदद की उसका मैं कभी जीवन में नहीं भूलूँगा। रही बात विषय की, भारतीय परंपरा और सभ्यता, इन शब्दों को सुनने और समझने के पहले दो बातों को हमें हमेशा याद रखना कि अंग्रेजी के शब्दों का हिंदी अनुवाद और हिंदी के शब्दों का संस्कृत उसमें शामिल है, पाली भी शामिल है, अंग्रेजी अनुवाद असंभव है। और उस असंभवता के बीच में जब हम सिविलाइजेशन को सभ्यता बनाते हैं तो बहुत कुछ खो जाते हैं। सभा में बैठने की जो भूमिका और आदर्श होता है वो सभ्यता है, और उस सभ्यता को हम सिविलाइजेशन में परिवर्तित करते हैं तो हम आधा से ज़्यादा खो जाते हैं। इस विषय पर कभी चर्चा के लिए मैं समय मांगूंगा आप लोगों से, लेकिन इस कार्यक्रम में सौहार्द की भावना में जो बौद्ध परंपरा का एक कंटिन्यूस फ्लो है विच हैज़ बीन फाउंड ऑल अराउंड द ग्लोब, उसके लिए एडविन आर्नल्ड एशिया लाइट ऑफ एशिया लिख के रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ये गलतफहमी है लोगों को। अशोक और बौद्ध धर्म को जानने का क्रम हमेशा रहा है। इतिहास लोप के बारे में हमें गालियाँ मिली हैं कि हम हिस्ट्री को नहीं जानते, याद नहीं रखते, वी आर वेरी केयरलेस। पिकासो की तरह नहीं है कि जब एक पेंटिंग करने बैठता था सबसे पहला काम उसका होता था किनारे कागज में पिकासो, तब पेंटिंग करता था। हमारे यहाँ जनता की गुफाएं बन गई, पेंटर ने कहीं नाम ही नहीं लिखा। हम उस परंपरा के हैं, तो उस परंपरा के कारण हमें इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि सौहार्द जो हृदय से सुहृद होने से जुड़ा हुआ शब्द है, उस सौहार्द को बढ़ाने में भारतीय सभ्यता में जो इमेंस क्रेडिट गोज टू भगवान बुद्ध, उनके अप्रतिम 6 फीट 3 इंच की लंबाई, 56 से भी ज़्यादा बड़े सीने के व्यक्ति का और उनके चलने के चाप का जो वर्णन हमें बौद्ध दर्शन में मिलता है, और जो उनका एक मोगलान और अन्य व्यक्तियों के प्रति जो बातचीत का क्रम मिलता है, पता चलता है कि उनके प्रभाव का कितना डेप्थ और मस्तिष्क पर असर होता था। उसके कुछ कुछ क्षणिक अनुभव परम पावन दलाई लामा जी के साथ बैठकर सुनने समझने मिलता है। इसलिए धरती पवित्र थी, यहाँ होना चाहिए था, इसलिए ICCS ने इस कार्यक्रम के लिए निवेदन किया, आप लोगों ने उसको संभाला और एक सुंदर रूप दिया। मेरी एक कल्पना थी कि सिर्फ यहाँ कार्यक्रम ना हो, सभी लोग सुने ही सिर्फ नहीं, ज्ञान गुने भी नहीं, बल्कि और यहाँ की प्रतिभाओं को भी समझें। इसी क्रम में सोवारिप्पा जो एक मेडिसिन का सिस्टम है जिसको बहुत कम लोग भारत में जानते हैं, जब हमें आयुष के मंत्रालय में इसको सिद्ध करने का मौका मिला, आयुष के अंतर्गत जो मंत्रालय है ए फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर योग और यूनानी का यू और इस सिद्ध धातु जो सिद्ध बीमारियों की दक्षिण भारत में जो होती है और एच फॉर होम्योपैथी, उसमें सोवारिप्पा को डालने के लिए एस मौजूद था। और उसको मैं नहीं कहूँगा मेरा इसमें कोई योगदान है, जब उसको जोड़ा गया तो उस समय इस तरह भीड़ के किनारे में मैं भी था। और उसके बाद से सोवारिप्पा के लिए भारत सरकार का जो ध्यान गया तो उसकी जो उसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ है वो भी हम लोग समझें। इसलिए हमने माननीय वाइस चांसलर साहब से रिक्वेस्ट किया कि सोवारिप्पा की जो जो प्रोडक्शन है आपके यहाँ उसकी भी प्रशंसा हो। इसलिए हम लोगों के पास जो बॉक्स मिला है, हमें लगता है कि हम सब लोग इसको जाने और समझें ताकि इस विरासत को जो नालंदा से जाकर तिब्बत बसा और फिर वापस लौटा उसको हम लोग और बढ़ाएं और फैलाएं।
इस दो देशों के साथ इस कार्यक्रम को किया, मेरे लिए एक समय और मिला है बकबक करने का। दूसरे सत्र में मैं अपनी भावनाओं को वहाँ व्यक्त करूँगा। मैं हृदय के हर कोने से यहाँ आए व्यक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ और समझता हूँ कि इस कार्यक्रम में आपने बैठकर इस ज्ञान सुदीजन परंपरा को बढ़ाया है। मेरा व्यक्तिगत सौभाग्य रहा है कि बुद्ध के उस वृक्ष से कुछ मीटर दूर ही मेरा जन्म हुआ और बचपन में उस पेड़ की निरंतर चढ़ने की बीमारी बेमानी भी मैंने की हुई है। बहुत पहले का जन्म है, आयु नहीं बता रहा हूँ मैं अपनी। अब तो घेर लिया गया है चारों तरफ वज्रासन को, तो उसका अनुभव मेरे जीवन का हर डीएनए में बसा है। उसी डीएनए का मैं यहाँ पर प्रस्फुटन देखता हूँ आप सब लोगों को। और तिब्बत के व्यक्तियों को बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस सौहार्द के विषय में। आपने सुन करके नहीं, तिब्बतों के बीच के जो यूथ का जो संकट है, इसके लिए मैं अपने परम मित्र नंदुल्ला से मैं बोलता रहता हूँ, गेशेला प्लीज़ लेट अस सी द चांस टू सी ऑल द यंग बॉयज एंड कमिंग टुगेदर इन धर्मशाला वी टॉक टुगेदर। इन शब्दों के साथ मैं अपने 8 मिनट का वक्तव्य बिना घड़ी रखे समाप्त करता हूँ। प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी संस्थान में और इसी सभागार में पिछले दिनों परम पावन दलाई लामा जी के जन्म दिवस पर हम सब लोगों ने भिक्खु रेवत महाथेरो जी को सुना और आनंदित हुए थे सुन करके। आज पुनः हम सौभाग्यशाली हैं कि वो मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ आपको प्रणाम करते हुए आप मुख्य अतिथि के वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूँ भिक्खु रेवत महाथेरो जी, संघ नायक महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया सारनाथ। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज इस विचारी गोष्ठी का सभा के अध्यक्ष हमारे दिल्ली के टिबेट हाउस के डायरेक्टर आदरणीय लामा जी डोरी जी और टिबेट विश्वविद्यालय के उपकुलपति कल्याण मित्र प्रोफेसर वंचुक डोरजे नगी जी, उपस्थित विद्वान वृंद, इसीलिए हमारे सिंह साहब ने हमको ऐसे शब्द कहा पिछली बार दलाई लामा जी का जन्मदिवस था, आशीर्वाद देने के लिए आया, सब लोग सो रहा है, कोई टेलीफोन पर अपना फेसबुक में बिजी था, तो हमने सबको जगा दिया। जगाने से सब हंसी आया, आज तो देख रहा ज़्यादा लोग नहीं सो रहा है, क्यों उस दिन का भाषण बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया, सच है ना, बहुत से लोगों के समझ में नहीं आया, लेकिन आज छोटा भाषण था कुछ समझ में आया है कि नहीं, ये ठीक है। हमको हमारा वैशांसर साहब ने 5 मिनट दिया है, हम मुख्य अतिथि है, देखिए कितना अन्याय हुआ है कि नहीं, जो भी कुछ होगा वैशांसर है, अभी वैशांसर के अंडर में है, इसलिए वो पालन करेंगे, 5 मिनट से ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। आज का विषय है भारतीय सभ्यता में बौद्ध जीवन शैली, माने बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा विषय है कि नहीं, ये भारतीय सभ्यता, इसी विषय में हम लोग यदि चर्चा करने गया तो कम से कम तो 1 महीना के ऊपर लगेगा है कि नहीं डॉक्टर साहब, हैं आप लोग 2-3 मिनट में कैसे समझते कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये हमको ये निमंत्रण मिला भारतीय सभ्यता, तो अरे हमको रात को नींद नहीं आया, इसमें कैसे बोलेंगे, देखिए भारतीय सभ्यता बहुत विशाल है ना, है ठीक, वो छोड़िए उसमें हम जाएंगे ही नहीं। अब इसमें दिया बौद्ध जीवन शैली, देखिए बौद्ध जीवन शैली शुरू होता है महाकारुणिक तथागत बुद्ध, माने सिद्धार्थ बुद्धगया में जो बुद्धत्व प्राप्त होता है उसी दिन से शुरू होता है, ठीक है ना। और हम ज़्यादा बोलने तो बहुत कुछ है लेकिन बोलने का समय नहीं है। देखिए आप लोग को सब लोग सुनता है पंचशील, नेहरू का पंचशील नहीं है, नेहरू का पंचशील अलग है, बौद्ध धर्म का पंचशील ये बौद्ध लोगों का नहीं है,
कोई बौद्ध लोग हमसे नाराज भी हो सकता है, आलोचना भी कर सकते हो, अपने जगह पर है। ये पंचशील भारतवर्ष का सनातन धर्म का आर्य लोगों का, क्यों हम लोग तो मानते भारत में आर्य लोग रहते थे, ये आर्य लोगों का एक आचार धर्म था पंचशील, माने पानाति पाता हम प्राणघात नहीं करेंगे, अदिन्ना दाना हम चोरी नहीं करेंगे, वो तो होता रहता है कि नहीं, और काम ये मिच्छाचारा हम व्याभिचारी नहीं करेंगे, वो भी चोरी चोरी होता रहता है कि नहीं, मुसावाद हम झूठ बोल, कितना झूठ बोलते हैं, हमारा जिंदगी में हमने बहुत कुछ देखा, बहुत से लोग झूठ बोलता है, सुरा मेरे हम मदिरा पा रहे, नशा नहीं करेंगे, नशा तो पहले तो नहीं था, अभी थोड़ा धीरे 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 बढ़ते जा रहा है। ये पंचशील देखिए बौद्ध लोगों का नहीं है, ठीक है ना, महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सामने लोग जाकर कहे बहुत अच्छी चीज़ है समाज सुधार के लिए, ठीक है ना, इसीलिए बुद्ध से कहा इसको टप्पा मारिए, ठीक है ना, हैं बुद्ध ने उसमें टप्पा मार दिया, ठीक है ना, वो टप्पा मारने के बाद थेरवाद परंपरा के लोग कहीं भी होगा, थेरवाद परंपरा के लोग कोई भी सभा कोई भी पुण्यदान कोई भी चीज़ शुरू करने के लिए नमोता से कहाकर उसको पंचशील देता है, ठीक है ना, कम से कम तो आधा घंटा एक घंटे के लिए तो शीलवान होता है ना, लेकिन अभी आप लोग कुछ भी करें बाहर जाकर, लेकिन आपने इधर पंचशील दे दिया तो इसी सभागर के अंदर तो शीलवान तो होता कि नहीं होता है, बाहर जाकर पानाति पाता आदि न दाना कामे सुमेचारा मुसावाद सब कुछ कीजिए, हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इधर इधर तो हम पंचशील दिया तो कम से कम तो एक दो घंटा के लिए शीलवान होता है कि नहीं है, ये देखिए हमारा भारतीय परंपरा है बौद्ध जीवन दर्शन है, ठीक है ना, तो उसी दिन से थेरवाद परंपरा में ये पंचशील ग्रहण करना अनिवार्य होता है। देखिए हमको लगता है डॉक्टर साहब महायान परंपरा में पंचशील नहीं है ना, बिल्कुल है, तो पंचशील क्यों नहीं दिया, ये तो दिया नहीं है, देखिए बोलता है दिया नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना, ज़्यादातर महायान संप्रदाय में मंगलाचरण संस्कृत भाषा में तिब्बती भाषा में होता है, ठीक है ना, जो हम लोग का मीटिंग होता है हम लोग का सभागार में हम लोग पंचशील से शुरू करता है, ठीक है ना, ये चीज़ ऐसे है। और दूसरी बात है देखिए कान पान प्राण सहन है कि नहीं, पढ़ाई लिखाई कान पान में देखिए वर्तमान समय में बंगाल के बौद्ध लोग होता है ये लोग बुद्ध विहार आते रंगीन रंगीन कपड़ा पहन कर आता है, रंगीन कपड़ा पहन कर आता है, महाराष्ट्र के लोग है सफ़ेद सफ़ेद कपड़ा पहन कर आता है, ठीक है ना, और आपका दार्जिलिंग सिक्किम अरुणाचल हिमाचल उसी के भारतवर्ष उसी एरिया के हिसाब से रान कपड़ा पहन कर आते हैं, ठीक है ना। जहाँ तक खाने पीने का बात है, पाँच मिनट होते हैं हमको बता देना, ठीक तो जब आपका समाप्त होगा ठीक, फिर खान पान की बात है, देखिए भारत में जो सनातन धर्म वाले, ठीक है ना, बाकी भारतवर्ष में बाकी लोगों से हमसे कोई मतलब नहीं है, हमारा परंपरा का हमारा सनातन धर्म का बौद्ध धर्म का बात कर रहे हैं, बाकी लोगों से मतलब नहीं है। देखिए भारतवर्ष में हमारे सभ्यता में खाना खाते समय हमने देखा, आप तो भी सही सही कहा था, ऐसी बात नहीं है, आप लोग का अपमान नहीं कर रहा है, हमने देखा काशी नरेश को, काशी नरेश हमारा बहुत अच्छा मित्रों में था, एक दिन हमने काशी नरेश के साथ भोजन किया महल में, अरे इतना देखने के इतना सुंदर लगा हमको, बुद्ध का शेक या समझ में, शेक या होता है पाली में, हमारा प्रोफेसर लोग जानते हैं पाली का प्रोफेसर लोग, शेक या होता है खाना खाते समय थोड़ा सा खाना लेकर थोड़ा सब्जी होगा कुछ भी होगा थोड़ा 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 कराकर मुँह लाकर ए ए ए ए अंगुली सभी अंदर नहीं घुसेगा, ठीक है ना। अभी हमने देखा बहुत से लोग हम लोग को तेराई में जाता है कहीं कहीं जाते हैं ना, ऐसे करा कर ऐसे 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 करा पूरा घुसा देता है, देखने में कितना खराब लगता है कि नहीं, ये बौद्ध परंपरा नहीं है, बौद्ध परंपरा में थोड़ा थोड़ा लेकर थोड़ा थोड़ा लगा थोड़ा थोड़ा अंदर कर देता है। उसके बाद हम लोगों का इसी अंगुली से बौद्ध परंपरा में इसी अंगुली से आगे खाना नहीं जाना चाहिए, बहुत से जगह में देखा तराई में हम भी जाते हैं ना, ऐसे पूरा हाथ में उसको एंग 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 कितना खराब लगता है, खराब लगता ही नहीं लगता है, आप लोगों को खराब लगता ही नहीं लगता है, इधर भी कोई होगा इसीलिए हंस रहा है। तो दूसरी बात है खाना खाते समय चाउ 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 क्या 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 वह खुला कर खाते
सामने देखने वाला को उल्टी आ जाता है, है कि नहीं? ये है कि नहीं? बुद्ध धर्म में सिखा है, सनातन धर्म में सिखा है, खाना खाते समय जो अंतर अपने डाला वो दोनों थल्ला एकाग्रा करा कर अंदर करा कर खाओ, और तुम्हारा अंदर वाला दो दूसरे को दिखाई देगा तो उल्टी आ जाएगा, है कि नहीं? ये बोलने को तो बहुत कुछ है। ये भारतीय सभ्यता में बौद्ध धर्म भी एक अंग है, ठीक है ना? बहुत सुंदर अंग है, ठीक है ना? अभी धीरे 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 सब लुप्त तो होते जा रहा है, ठीक है ना? इसलिए अभी 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलना है, नहीं तो कुलपति साहब फिर हमको दूसरा नहीं बुलाएगा। तो इसी मौके पर बहुत हमारे पुराने मित्र प्रोफेसर लोग, बहुत से आचार्य लोग, महाचार्य लोग, विद्यालय से मुलाकात हुआ, इसी शुभ अवसर पर हमको इसी दो शब्द बोलने के लिए बुलाया। तो आप लोगों को दो शब्द से कोई लाभ तो हुआ होगा ना? हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हुआ, ठीक है। हम सभी को धन्यवाद देते हुए हमारा दो शब्द इसी जगह पर समाप्त कर रहा है। मैंने पहले संकेत किया था कि अभी उस दिन हम लोग ज़्यादा आनंदित हुए थे, आप लोग थोड़े 5 मिनट में आनंदित हुए, और वक्तव्य की यह शैली सबको नहीं आ सकती है, साधारणता नहीं आ सकती है, बड़ी साधना करनी पड़ती है। जो भिक्षु रेवत के पास यह शैली है उस शैली को हम प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए मैं बहुत आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ प्रोफेसर वांगचिंग दुर्जे नेगी जी, माननीय कुलपति को अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। परम श्रद्धे महाभिक्षु संघ, इस उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि श्रद्धे भिक्षु डी रेवत महाथेरो जी, आदरणीय भिक्षु केशे तोर्जे धंदुल जी जो इस उद्घाटन सत्र के कीनोट के स्पीकर थे, और विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर आनंद कुमार जी तथा प्रोफेसर हरिकेश सिंह जी। इस आयोजन के से समन्वयक प्रोफेसर अमरजीत लोचन जी, और इस सत्र के मुख्य वक्ता प्रोफेसर अंगराज चौधरी जी तथा प्रोफेसर कमलशील जी, और प्रोफेसर एम के दास, हमारे मित्र प्रोफेसर प्रवीण जी तथा संस्कृत यूनिवर्सिटी और PHU से आए सभी प्रोफेसरगण तथा बनारस जनपद से भी आए कुछ विद्वतगण या छात्र लोग तथा हमारे संस्थान के कुल सचिव डॉक्टर सुनीता चंद्रा जी तथा अन्य कर्मचारी तथा प्रिय छात्र एवं छात्राओं। मैं थोड़ा सा भारतीय सभ्यता में बौद्ध जीवन शैली एवं परस्पर सौहार्द पर मैं अपना विचार आपके सामने रखने चाहूँगा। मैं भी ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 10 मिनट का समय है, 10 मिनट ही मैं अपना विचार ख़त्म करूँगा। तो जब मैं भारतीय सभ्यता की बात करते हैं, निश्चित रूप से भारतीय सभ्यता बहुत विशाल है। इस संदर्भ में जब मैं भारतीय आचार्यों का तथा तिब्बत के आचार्यों को देखता हूँ तो भारतवर्ष को जो है आर्यवर्त के रूप में वर्णन जो है हमारे ग्रंथों में आता है। बौद्ध ग्रंथों में जो है भारत शब्द नहीं अपितु आर्यवर्त। जब हम आर्य की बात करते हैं वही उसका वर्णन जो है द्वितीय शताब्दी में जैसे असंग हैं और फिर वसुबंधु हैं, आर्य शब्द का प्रयोग जो है, आर्य का अर्थ उनका कहना है कि आर्य वो हैं जिसने कर्म और क्लेश का संपूर्ण रूप से नाश कर दिया है। कर्म और क्लेश से जो मुक्त हैं वही आर्य हैं, अर्थात वही क्या हैं, नोबल बीइंग हैं। तो इसलिए आर्य शब्द जो है बौद्ध साहित्यों में कोई आर्यन जाति कहीं मध्य एशिया या इधर उधर से आया ऐसा बौद्ध ग्रंथों में नहीं मिलता है। आर्य जो है भारतीय ही थे।
थे, सनातन परंपरा के ही संबंधित थे, ऐसा बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। और फिर इसी को स्पष्ट करते हुए वसुबंधु ने अभिधर्म के चतुर्थ कर्म स्थल पर वो बुद्ध को कोट करते हुए कहते हैं, बुद्ध कहते हैं, स्वयं बुद्ध कहते हैं, मैंने 3 असंख्य कल्पों में पुण्य का संचय करके बुद्धत्व को प्राप्त की थी करके। और उसको विस्तार से कहते हुए वो कहते हैं कि प्रथम असंख्य कल्प में मैंने जो है कुरुक्षंद आदि 7,700 बुद्धों का सेवन करके मैंने पुण्य का संचय किया था, और द्वितीय कल्प में जो है दीपंकर आदि 3,300 बुद्धों का सेवन करके मैंने पुण्य का संचय किया, और फिर तीसरा असंख्य कल्प जो है महाशाक्यमुनि आदि 3,300 बुद्धों का सेवन करके मैंने जो है पुण्य द्वय का संचय कर बुद्ध की प्राप्ति की करके कहते हैं। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जो हम आज ब्रह्मांड जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, इस ब्रह्मांड का यही एक ब्रह्मांड नहीं रहा होगा, क्योंकि ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है और स्थिति रहती है, नष्ट होना होता है, असंख्य ब्रह्मांड हुए हैं, असंख्य ब्रह्मांड रहे हैं, तो इसका कोई आदि नहीं है, आनंद ना ही अंत है। इस दृष्टि से मैं जो आर्यन शब्द का मैं प्रयोग जो करता हूँ, बौद्ध आचार्यों के अनुसार जो है भारतवर्ष का प्राचीन नाम जो है आर्य देश था, क्योंकि इसमें समय समय पर जो हजारों लाखों बोधिसत्वों ने जन्म लेते रहा है, इसलिए इस भूभाग का नाम जो है आर्य देश पड़ा, ऐसा ग्रंथों में मिलता है। तो ये एक मैं स्पष्टीकरण करने चाह रहा था। तो वहीं अब हम आधुनिक युग में हम अगर देखें जो इस ब्रह्मांड का, तो इस दृष्टि से यदि हम देखेंगे तो मेरा अस्तित्व और जिस ब्रह्मांड को मैं उपभोग कर रहा हूँ, इस ब्रह्मांड की अपेक्षा मेरा जो है आदि जो है इस ब्रह्मांड से भी पूरब का है, इससे पहले भी मैं रहा हूँ, इस दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा लगता है। तो यह ब्रह्मांड जो वर्तमान में हम जम्बूद्वीप के रूप में जो हम उपयोग कर रहे हैं, इसका इतिहास अगर देखें तो प्राय हम बिग बैंग के साथ भी जोड़कर भी कह सकते हैं। इस वर्तमान जम्बूद्वीप का हम इतिहास को मद्देनजर रखते हुए विचार करेंगे तो हमारा जो सभ्यता का शुरुआत है, मैं फिर इसको जो वैदिक काल से रखता हूँ, वैदिक काल जो है, तो वैदिक में क्या है, वेद का अर्थ क्या है, वेद का अर्थ ज्ञान है, वेद का अर्थ विद्या है, अर्थात जिस प्रकार विज्ञान ऊर्जा का ना आदि होती है ना अंत होता है, वैज्ञानिक लोग मात्र ऊर्जा का अस्तित्व को भी मानते हैं लेकिन उसका ना आदि होता है अंत होती है, लेकिन बौद्धों की दृष्टि या आध्यात्मिक सनातन धर्म के अनुसार मैं समझता हूँ ऊर्जा के साथ जो है सूक्ष्म चित्त का जो है अभिन्न संबंध होता है, सूक्ष्म चित्त और ऊर्जा का ना कोई अंत है ना कोई जो है आदि है। तो इस दृष्टि से देखा जाए जो हम मैं जो वेद है उस ज्ञान के रूप में मानता हूँ, तो जब मैं वेद को ज्ञान के रूप में मानता हूँ तो जैसे कि बृहद आरण्यक में कहा है कि ये असत्यम सत्यम गम्य, तमसोम ज्योतिमय गम्य, मृत्युम अमृत गम्य, ये हमारी संस्कृति है, ये भारत की सभ्यता है, हमको जो है अज्ञानता से ज्ञान की ओर प्रवृत्त होना है और मृत्यु से जो है अमृतत्व की प्राप्ति करना है। तो इसी के लिए जो है जितने भी भारत में दर्शन हुए हैं तो उनका जो है एक प्रकार से इस तथ्य को साक्षात्कार करने के लिए हुआ। तो इस दृष्टि से यदि मैं बौद्ध धर्म का क्या योगदान रहा है इस पर यदि मैं विचार करता हूँ तो मैं देखता हूँ, सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में देखता हूँ तो तथागत बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद यहीं सारनाथ से उन्होंने 60 भिक्षुओं को जो है चरत भिक्खवे चारकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करके जो है एक प्रकार से एक क्षेत्र में 2 आदमी न जाएं, एक एक करके जाएं करके एक प्रकार से ज्ञान का शिक्षा का जो है उन्होंने जो एक क्रांति लाया बुद्ध ने, इसको मैं देखता हूँ। तो आगे चल करके आप देखेंगे तो बुद्ध के परिनिर्वाण के समय में
जो है संगीति होती है, बुद्धिस्ट काउंसिल होता है, आजाद शत्रु ने स्पॉन्सर करके 500 भिक्षु जो है एकत्रित होकर के जो तथागत बुद्ध के वचनों को जो है रिसाइट करते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत में 6th century BC में शिक्षा और ज्ञान का क्या वातावरण रहा होगा। वो क्रमश द्वितीय संगति होती है, तृतीय संगतियाँ होती है, और आगे चल करके जो है फिर गुप्त काल में तो आप नालंदा है, विक्रमशील है, औदनपुरी है, और वल्लभ आदि जो है शिक्षा के महान केंद्र हुए, जहाँ पर जो है दुनिया के युवाओं को जो आकर्षित करके एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ जो है भारत जो है एक प्रकार से दुनिया का गुरु के रूप में मान्यता जो है मिलती है शिक्षा के क्षेत्र में। जब मैं देखता हूँ और विचार करता हूँ तो वहीं मैं देखता हूँ, जब कला के क्षेत्र में देखता हूँ भारत में मूर्ति की कला की, गंधार है आपका, मथुरा आर्ट्स है, सारनाथ है, गुप्तकालीन ये कला के क्षेत्र में जी जो है बौद्धों ने जो है बहुत बड़ा योगदान, परहूत है, सांची का स्तूप आदि इसको देखते हैं तो निश्चित रूप से महान कार्य जो है बौद्धों के द्वारा स्थापित हुआ है ऐसा लगता है। वहीं राजनीति क्षेत्र में देखता हूँ तो वैशाली गणतंत्र, बुद्ध के समय में वैशाली गणतंत्र हो, और समाजवाद की स्थापना यदि आप विनती प्रकटक को देखेंगे तो जैसे संघ की स्थापना हुई है, ये एक प्रकार से जो है समाजवाद का मैं समझता हूँ आधार जैसा ऐसा बनता है। वहीं अर्थशास्त्र की दृष्टि से मैं देखता हूँ तो शिगाल सूत्र है, और उसको मैंने प्रैक्टिकल रूप से एक बार मैं बर्मा गया था, एक महीने के लिए मैं बर्मा था तो वहाँ मैंने देखा कि तथागत बुद्ध ने ये कहा है, किसी भिक्षु ने पूछा था यदि जो है चीवर पुराना पड़ जाता है तो उसका क्या करना चाहिए, तो बुद्ध कहते हैं अगर चीवर पुराना पड़ जाए तो उसका आसन बनाओ, कुशन बनाओ, और कुशन में अगर जो है कुशन बनने लायक नहीं रहे तो उसको क्या करना है, फिर उसको डस्टर बनाइए, वो भी काम नहीं आता है तो क्या करेंगे, उसको जो है ज़मीन में रोपिए, खाद का काम कीजिए करके उनका सोच जो है एक प्रकार से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कैसे था। उसी चीज़ को मैंने बर्मा में देखा, बर्मा में देखा कि लोग जो है लुंगी पहन रहे हैं, बहुत बड़ा अधिकारी भी लुंगी पहनकर आ रहा है। जिस होटल में मैं रुका था उसके सामने जो है इंग्लिश माध्यम का स्कूल भी था, वहाँ छोटे छोटे बच्चे लोग भी थे, वो लोग भी जो है लुंगी पहन के, अध्यापक भी लुंगी पहना है, बच्चे भी लुंगी पहना है। प्राय अगर रंगून में आप घूमेंगे तो समझ लीजिए कि जो कोट पैंट में होगा वो विदेशी पर्यटक होगा, वहाँ के लोग जो है सब लुंगी में रहते हैं। तो मैंने कारण पूछा क्यों ऐसा है, तो उन्होंने कहा कि बुद्ध ने जो है कैसे संतोषजनक अपने जीवन यापन करना चाहिए इसलिए हम उसका फॉलो करते हैं, कहते हैं यदि हम कपड़े को काट करके ये कुर्ता पैजामा पहनेंगे कितना व्यर्थ हो जाती है, बहुत उसका व्यर्थ होता है। एक कोट के सिलाने का जो कीमत चुकाना पड़ता है उससे तो हम लोगों का 2 साल का लुंगी काम आएगी, इस प्रकार का उनका जो है ये सोच, ये मेरे को बहुत प्रभावित रहा। वास्तव में लगा कि कैसे जो है बुद्ध का सूत्रों का प्रभाव जो है वहाँ की जनता पर है, उसको मैंने अपने साक्षात अनुभव से मैंने देखा था तो उसके संबंध में हो। वहीं फिर आज का विषय जो है ये है कि भारतीय सभ्यता के बारे में संक्षेप में कहा, बौद्ध जीवनशैली और परस्पर सौहार्द। जब हम परस्पर सौहार्द की बात करते हैं, बुद्ध ने किसी जाति व्यवस्था, लिंग व्यवस्था को सब उन्होंने तोड़ा था, मानव मात्र की बात की थी उन्होंने, मानव तक ही नहीं, उनका करुणा दया तो प्राणी मात्र के लिए था। जब हम जब तक हमारे अंदर संपूर्ण प्राणी मात्र को यत अहम तत् एते, यत एते तत् अहम की भावना हमारे अंदर नहीं होगी, हम ऊंच नीच का भेदभाव करेंगे तो फिर कभी हम जो है सुख और शांति और चैन और अमन का वातावरण जो है क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे तो बुद्ध कितने मानवतावादी के जो है वो सपोर्टर थे। दूसरी बात, बुद्ध ने जब धर्म के बारे में कहा तो उन्होंने धर्म को जो है एक नाव के तरह कहा था, एक किश्ती के तरह कहा था, बोट के तरह कहा था। नाव जो है क्या है, नदी पार करने के लिए है,
नदी पार करने के बाद अगर नाव बहुत महत्वपूर्ण है करके उसको हम ढो करके जाते हैं तो वो पागलपन होगी। इसलिए धर्म, धर्म भी क्या है, तत्व का साक्षात्कार करने के लिए धर्म है, ना कि उसको पकड़े रहने के लिए है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं धर्म की, अधर्म की तो बात ही छोड़ो, धर्म का भी परित्याग करना चाहिए। अगर इस प्रकार का हमारे अंदर सोच हो, इस प्रकार का हमारे अंदर विचार हो, तो फिर परस्पर द्वंद और परस्पर किसी प्रकार का मन मुटाव का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इस प्रकार का अगर हमारे अंदर भाव रहें, इस प्रकार आगे देखेंगे दर्शन के क्षेत्र में प्रतीत, बहुत सारे विद्वानों ने भी अपना वक्तव्य दिया, प्रतीत सम्मुत्पात है ना, यहाँ कोई भी वस्तु इनहेरेंट या स्वतंत्र ऐसा नहीं है, सब एक दूसरे पर निर्भर है, एक के अभाव में दूसरे का अस्तित्व भी नहीं होता है। पर इस प्रतीत सम्मुत्पाद के सिद्धांत को जो है हमको जो है गंभीरता पूर्वक विचार करनी चाहिए, ये भी मैं समझता हूँ बौद्धों का एक महत्वपूर्ण योगदान है। वहीं कर्म के संबंध में मैं जब मैं देखता हूँ तो तथागत बुद्ध का कर्म की व्यवस्था भी बहुत ही सुंदर है, जैसे कि हिंसा से परहेज होना चाहिए, हिंसा का परित्याग करना चाहिए हम कहते हैं। जब हिंसा का परित्याग करना जब हम कहते हैं तो प्राय अन्य धर्म दर्शनों में आप देखेंगे कि हिंसा पाप है, क्यों, क्योंकि पवित्र ग्रंथ में कहा गया है यदि आप उसका उल्लंघन करते हैं तो पाप है। तो एक प्रकार से पाप और पुण्य का मापदंड जो है या तो ग्रंथ है या ईश्वरीय वचन को लेकर के है या कुछ आधार लेकर के वो जो है पाप और पुण्य की व्यवस्था करते हैं। इसलिए आप देखेंगे अन्यतर हिंसा कहते समय मनुष्य को मारना ही हिंसा के अंतर्गत आता है, वहाँ पशु पक्षी भेड़ बकरी जो है एक प्रकार से सृष्टि का सब उत्कृष्ट मनुष्य है उसके लिए जो है एक प्रकार से उपभोग्य के रूप में जो है वो लोग जो है उसका वो करते हैं, उसको उपयोग करते हैं। लेकिन बौद्धों में तो चाहे छोटा सा चींटी हो या हवेल मछली हो सबका प्राण जो है एक समान है। इसलिए ये भी पाप, इसलिए पाप नहीं है कि बुद्ध ने कहा है, पाप इसलिए पाप है कि जैसे हमारे पूर्व प्रवक्ता ने भी कहा जब हम हिंसा करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन के अंदर जो है अशांति पैदा होती है, उस अशांति से प्रेरित होकर के जब हम कुछ कार्य करते हैं तो दूसरे को भी परेशान करते हैं, इसलिए वो पाप है। पाप का मापदंड जो है किसी पवित्र ग्रंथ में कहे के द्वारा निर्धारित नहीं होती है, अपितु पाप और पुण्य का अवधारण जो है एक प्रकार से प्रकृति नियम है, प्रकृति का नियम। हाँ, उसमें कुछ चीज़ें ये भी है संवैधानिक रूप से भी पाप और पुण्य का कुछ कुछ अंश ग्रंथों में आते हैं, जैसे कि मैं भिक्षु हूँ, भिक्षु बन जाने के बाद मुझे निश्चित रूप से बाल काटने हैं, अगर मैं बाल नहीं काटता हूँ तो एक पाप का बागी बनता, यद्यपि बाल रखना और नहीं रखना इसमें कोई पाप नैसर्गिक रूप से नहीं होती है, लेकिन मैंने भिक्षु का दीक्षा लिया है इसलिए कुछ संवैधानिक पाप बौद्ध दर्शन में ही है, लेकिन जो मूल 10 अकुशल कर्मों की बातें हैं वो जो है प्रकृति रूप से कहा जाता है। ये सब बौद्धों का एक विशेषता जैसा मैं देखता हूँ, यद्यपि विषय बहुत विस्तार है तो समय का अभाव है। इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं वास्तव में आप लोग इतने महान अनुभवी लोग हमारे रिक्वेस्ट से आप लोग आए, मैं आभार प्रकट करता हूं और विशेषकर मैं अमरजीत लोचन जी का, इन्होंने जो है G20 के अंतर्गत C20 पर जो बौद्धों से संबंधित जो सेमिनार का आयोजन है, निश्चित रूप से तथागत बुद्ध के द्वारा उपदेशित जो पुण्य स्थल है सारनाथ है उसको आपने चुन करके हम लोगों को गौरवान्वित किया है, इसके लिए मैं अमरजीत लोचन को दिल से मैं प्रणाम करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना विचार यहीं छोड़ता हूँ। हम अत्यंत आभारी हैं, कृतज्ञ हैं आपके इस महत्वपूर्ण अध्यक्षीय संबोधन के लिए, और अब इस उद्घाटन सत्र का समापन धन्यवाद ज्ञापन से होगा। उसके पूर्व कुछ सूचनार्थ आपसे निवेदन करना चाहता हूं। हम निर्धारित समय से मात्र 40 मिनट विलंबित हैं, और अब ये तो नहीं कहूंगा कि इसकी भरपाई अगले सत्र में होगी, लेकिन यह सत्र उद्घाटन सत्र इतना महत्वपूर्ण सत्र था और इतना विद्वत वरण्य से समृद्ध मंच था कि इससे कम में हो भी नहीं सकता था, तो इसलिए थोड़ा विलंब हुआ। इसके बाद एक अल्पाहार का
कुल मिलाकर के 15 या 20 मिनट का एक विराम होगा। आप अल्पाहार के बाद पुनः सभागार में आएंगे और अगला सत्र जो प्रथम सत्र है इस संगोष्ठी का, उसकी अध्यक्षता करेंगे प्रोफेसर प्रद्युम्न दुबे जी, पूर्व अध्यक्ष पाली एवं बौद्ध अध्ययन विभाग BHU, और इसमें प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी, प्रोफेसर अमरजीव लोचन जी, प्रोफेसर कमलशील जी उपस्थित हैं और इसका संचालन करेंगे डॉक्टर अनुराग त्रिपाठी। तो 15 मिनट के लिए विलंबित है और आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मैं बहुत आदर से आमंत्रित करता हूँ संस्थान के उप कुल सचिव डॉक्टर हिमांशु पांडे जी, आप सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। यशांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भालिवाल विधुर्गरले चगरलम यशोरिशीवलालराट शोयं भूति विभूषण सुरवर शर्वाधिप शर्वदा सर्व स्वर्गतः शिव शशनिभ श्री शंकर पात्मा। मंचासीन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम सद्रे आदरणीय कुलपति महोदय प्रोफेसर वांगचुक दोर्जे नेगी जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भिक्कू रेवत महाथेरो जी, हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर आनंद कुमार जी, प्रोफेसर हरिकेश सिंह जी, इस कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर अमरजीव लोचन जी, आज के मुख्य वक्ता भिक्कू दोर्दे दमदुल जी, प्रोफेसर अंगराज चौधरी जी, सभागार में उपस्थित भिक्कूगण, आमंत्रित अतिथिगण, संस्थान के शिक्षकगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, प्रयागराज से पधारे लेखा परीक्षण दल के अधिकारीगण, आयोजन समिति के सदस्यगण, पत्रकार बंधु, छात्र एवं छात्राओं, G20 ऐसे देशों का समूह है जिसका आर्थिक सामर्थ्य विश्व के 85% GDP का प्रतिनिधित्व करता है। G20 उन 20 देशों का समूह है जो विश्व के 75% व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। G20 विश्व की 2/3 जनसंख्या समाहित है और हमारा देश भारत आज इस G20 समूह के नेतृत्व कर रहा है, इसकी अध्यक्षता कर रहा है। ये हम हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है। आज मेरे और हमारे संस्थान के लिए खुशी का अवसर है कि आज हम अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अध्ययन केंद्र दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में G20 C20 के बैनर के अंतर्गत भारतीय सभ्यता में बौद्ध जीवन शैली एवं परस्पर सौहार्द शीर्षक पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित कर रहे हैं। मैं आज के मुख्य वक्ता डायरेक्टर तिब्बत हाउस भिक्कू दोर्जे दमजुल जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने अपने इतने महत्वपूर्ण उद्बोधन में हम सबको बताया कि अहिंसा मैत्री से ही पूरे विश्व में शांति कायम हो सकती है और यही परम पावन दलाई लामा जी का भी संदेश है। आपने बताया कि मॉडर्न साइंस और बुद्धिस्ट फिलॉसफी का समन्वय करके इस दुनिया में शांति स्थापित की जा सकती है। आपके इस महत्वपूर्ण उद्बोधन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं प्रोफेसर अंगराज चौधरी जी का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आपने अपने उद्बोधन में बौद्ध धर्म को बताया कि ये दुनिया का एकमात्र धर्म है जो अनुभव पे जोर देता है। जब मनुष्य क्रोध करता है तो सबसे ज़्यादा हानि वह खुद को पहुँचाता है, और आपके इस उद्बोधन के लिए, इस वर्णन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आज के विशिष्ट अतिथि, विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर आनंद कुमार नई दिल्ली से पधारे हैं, मैं आपका भी सर हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आपने अपने वक्तव्य में बताया कि भगवान बुद्ध के बताए गए अहिंसा के मैत्री, कर्तव्य, उत्तरदायी, ये 3-4 जो मार्ग हैं उस पे आपने अपने विचार प्रकट किए। आपने बताया कि जब जब बुद्ध का साक्षात्कार करते हैं तो कर्तव्य का बोध अवश्य होता है। आपने बताया कि युद्ध नहीं चाहिए, बुद्ध चाहिए। हम जानते हैं कि नीति क्या है, अनीति क्या है, पर हम सब अपने स्वार्थ में जिए जाते हैं। इस कुविचार से अगर कोई भी विमुक्त कर सकता है तो वो है बुद्ध, वो है कृष्ण। आज के भारतीय संस्कृति में भगवान बुद्ध का बहुत अद्वितीय योगदान है। आपके इस उद्बोधन के लिए आपको हार्दिक बधाई, हार्दिक धन्यवाद सर। मैं इसी क्रम में आज के विशिष्ट वक्ता, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर हरिकेश सिंह जी का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आपने धर्म की अभूतपूर्व व्याख्या की
और सिनर्जिस्टिक इफेक्ट और सिम्बियोटिक इफेक्ट के भी बारे में बात किया। आपने बताया कि अगर तीन लोग की इंडिविजुअल कैपेसिटी को जोड़ के जो इफेक्ट निकलेगा वो एडिटिव इफेक्ट होगा, पर अगर उस इफेक्ट से भी ज़्यादा कोई अगर इफेक्ट निकलता है उसी को सिनर्जिस्टिक इफेक्ट करते हैं। और भगवान बुद्ध के इस विचार पे, इस पे अनुसरण पे आपने जो अपने व्याख्यान दिए उसके लिए आपको हार्दिक बधाई, हार्दिक धन्यवाद सर। मैं इस कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर अमरजीव लोचन जी का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आपने इस C20 के विशेष आयोजन को संस्थान के लिए चुना, इसलिए संस्थान की तरफ से संस्थान परिवार आपका बहुत बहुत आभारी है सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने संस्थान में सोवा रिगपा नामक तिब्बती मेडिकल जो पद्धति है उसको भी आयुष मंत्रालय में जोड़ने के लिए जो अपना योगदान किया, संस्थान हमेशा आपका ऋणी रहेगा सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भिक्कू रेवत महाथेरो जी का भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने बौद्ध धर्म तथा भारतीय संस्कृति पर तथा पंचशील पर प्रकाश डाला, आपके इस महत्वपूर्ण उद्बोधन के लिए आपको हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई सर। और हम सबके मार्गदर्शक परम आदरणीय संस्थान के माननीय कुलपति महोदय तथा आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रद्धेय कुलपति महोदय प्रोफेसर वांगचुक दोरदे नेगी जी का भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने मार्गदर्शन से, अपने विचार से इस कार्यक्रम को हम सबको प्रेरित किया इसके आयोजन को लेके, और अपना मार्गदर्शन देते रहें कि किस प्रकार से इस आयोजन को हम सफलतापूर्ण कर सकते हैं। आपने अपने उद्बोधन में तथागत बुद्ध पर अपने विचारों से हम सबको आलोकित किया। आपने बताया कि पाप इसलिए पाप नहीं है कि भगवान बुद्ध ने कहा है कि ये पाप है, पर पाप इसलिए पाप है कि इसको करने पर मन में जो अशांति होती है वो पाप है। इसलिए आपके इस महत्वपूर्ण उद्बोधन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, और इस कार्यक्रम के सफलतापूर्ण आयोजन करने के लिए जो आपने अपना मार्गदर्शन किया है उसके लिए आयोजन मंडल की तरफ से, संस्थान की तरफ से आपको कोटि कोटि धन्यवाद सर। मैं इसी क्रम में संस्थान की कुल सचिव महोदया डॉक्टर सुनीता चंद्रा मैडम का भी धन्यवाद करता हूँ। मैडम, आपके निर्देशन में आज ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। आप विगत कई दिनों से निरंतर शाम को और सुबह जरूर अपडेट लेती थी आयोजन मंडल के साथ बैठ के, आपने अपना मार्गदर्शन दिया, अपने विचार दिए कि इसको कैसे हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैं अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र नई दिल्ली तथा संस्थान के आयोजन मंडल के प्रत्येक सदस्य को भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आपने कठिन एवं अनुशासनशील प्रयत्न से इस कार्यक्रम का आयोजन हो पा रहा है। इस क्रम में मैं प्रोफेसर राम सुधार सर का, भिक्कू नवांग थेम्पल सर का, डॉक्टर टी आर सासनी जी, डॉक्टर सुचिता शर्मा जी, डॉक्टर अनुराग त्रिपाठी जी, हमारे ए आर श्री प्रमोद जी, डॉक्टर प्रशांत मौर्य जी, डॉक्टर रवि रंजन द्विवेदी जी, डॉक्टर रवि गुप्त मौर्य जी तरह तमाम जो सदस्यगण, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, मैं सबको इस डॉक्टर बज्जाचार्य जी, मैं सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपकी कर्मठता से ये कार्यक्रम का आयोजन हो पा रहा है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रयागराज से पधारे लेखा परीक्षण के अधिकारीगण का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे निवेदन पे आज, हालांकि वो लोग कल जाने वाले थे, पर हम लोग का निवेदन रहा कि हम लोग ने कहा कि आपको अगर इस संस्थान को और करीब से जानना है तो कल के सेमिनार को ज़रूर अटेंड करें। आप लोगों ने हमारे निवेदन को स्वीकार किया, इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं मल्टीमीडिया के हर एक मेंबर्स का, जिसने ये लाइव टेलीकास्ट और रिकॉर्डिंग और इतना अच्छा ये सारे चीज़ें प्रोजेक्टर हो पा रहा है, मैं मल्टीमीडिया के भी हर सदस्य का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं मेंटेनेंस विंग का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे से सारी व्यवस्था की, बैठने की सारी मंच को तैयार किया, खाने पीने नाश्ते की व्यवस्था की, सबका आयोजन अच्छे से होगा ये उम्मीद है। मैं मेंटेनेंस विंग के भी हर एक सदस्यगण का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं छात्र कल्याण के भी हर छात्रों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आप सबके लिए शाम को एक कल्चरल इवेंट्स का आयोजन किया है,
जिससे आप लाभान्वित होंगे। आज शाम को इसी आयोजन समिति में यहीं पे होगा। मैं उन बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने कई दिनों से, मैं देख रहा हूँ कि शाम को वो कल रात को 10-11 बजे तक प्रैक्टिस करते रहे। मैं उन सभी बच्चों का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। मैं यहाँ पे प्रधारे पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि एक बार के इन्विटेशन पे वो लोग यहाँ पे आते हैं और बहुत अच्छे से मीडिया कवरेज लेते हैं, इसको न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करते हैं। मैं आप लोग का भी बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अंत में मैं सभी का, जो लोग, जिन लोग का मैं नाम नहीं ले पाया, जो धन्यवाद सर, धन्यवाद। चलिए मंच की तरफ से और आप सभी लोगों की तरफ से डॉक्टर हिमांशु पांडे जी को धन्यवाद। पुनश्च आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार। 15 मिनट के अंतराल के बाद हम फिर इस सभागार में उपस्थित होंगे, मंच बदला हुआ होगा। आप सभी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद।